NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT के अंदर कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसके आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हम UGC नेट के अंदर ICT के अंदर वो टॉपिक कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर ऐसे देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ है दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर कब आया था, कंप्यूटर की शुरुआत कैसी हुई थी, कितने टाइप होते हैं, इस तरीके से करके, यानी कि ऐसे किया जाए तो ये बहुत बड़ा सिलेबस बन जाएगा और उसे 20 दिन लग जाएंगे इसे कम्प्लीट करने में। तो इसलिए हम इसके अंदर वो टॉपिक कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। और तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स किस किस तरह के होते हैं, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले इनपुट डिवाइस आते हैं, फिर CPU आता है और फिर आउटपुट आती है, मुख्य रूप से ये होता है। और अब हम इनमें डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को लगभग कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी होगी। तो जो इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके द्वारा हम अपनी कुछ चीज़ें कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हमें कुछ जोड़ घटा गुना भाग करनी है, तो जो कीबोर्ड के ऊपर नंबर हम दबाते हैं तो जो कीबोर्ड है वो हमारी इनपुट डिवाइस है, उसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं कुछ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, बहुत आसानी से लिखा हुआ है। और देखिए इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकती है, इनमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं और ये थोड़ी बेसिक जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल आसान है तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस से हम जैसे किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यानी कि इसके अंदर हम इनपुट डाल रहे कुछ। फिर हो गया जैसे जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, जैसे आजकल मोबाइल में और लैपटॉप में भी टच स्क्रीन आने लग गई है। तो ये सभी की सभी चीज़ें आप एक बार देख लेना दोस्तों। एक जैसे स्कैनर हो गया, जैसे हम कोई भी फोटो है वो स्कैन करते हैं फॉर्म में लगाने के लिए, तो स्कैनर क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। और डिजिटलेट हो गया, बार कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, ATM ETC हो गया, तो ये सभी मुख्य रूप से हमारी इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस के उल्टा होती है, यानी कि इनपुट के अंदर हम कुछ डालते हैं और आउटपुट के अंदर हमें मिलता है। आउटपुट यूनिट में वे डिवाइस होते हैं जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि वही बात है कि हमने जो कंप्यूटर के अंदर जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए हमने नंबर दबाए, नंबर दबाने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आए, वो रिजल्ट हो सकता है हमारे स्क्रीन पे या फिर स्पीकर में बोल के वो बताए कि 4+5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, वो स्क्रीन पे दिखाए या फिर बोल के दिखाए। अगर स्क्रीन पे दिखाएगा तो वो क्या होगा, स्क्रीन हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। अगर स्पीकर में बोल के वो दिखा रहा है तो जो हमारा स्पीकर है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। और देखिए जो हमारे कंप्यूटर है उसके अंदर मुख्य रूप से एक तो मॉनिटर जो होता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस मुख्य रूप से मानी जाती है, और दूसरा प्रिंटर, जैसे हम प्रिंट करते हैं PDF वगैरह होगी, जो भी हो गया वो हम हार्ड कॉपी में लेने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रिंट की कमांड देते हैं, तो उससे क्या है कि हमें आउटपुट मिल जाता है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर एक मॉनिटर होता है यानी कि स्क्रीन जो होती है वो, फिर प्रिंटर होता है, फिर प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है यानी कि क्लास वगैरह के अंदर हमें फिल्म वगैरह दिखाई जाती है, कोई प्रोजेक्ट पर कुछ चीज़ दिखाई जाती है, और फिर हो गया साउंड कार्ड हो गया और ईयरफोन होगी। तो ये हमारी मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस है। और एक चीज़ और आती है दोस्तों इसके अंदर, कई बार एक दो बार क्वेश्चन ये आया कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट और इनपुट दोनों तरह की डिवाइस है, वो हमें पता करना है। तो देखिए जो हमारा स्कैनर प्लस प्रिंटर जो होता है वो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उसे हम कह सकते हैं। जैसे
जो एचपी का एक प्रिंटर आता है उससे क्या करते हैं कि हम स्कैन भी कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं प्रिंट भी ले सकते हैं, तो उससे हम दोनों काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन जैसे टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन को हम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहेंगे, क्योंकि टच करके हम उसमें कुछ इनपुट डाल सकते हैं और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हम देख सकते हैं, यानी कि टच स्क्रीन को हम इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है कि ऐसी इनमें से कौन सी चीज़ है जिनसे हम डेटा ले भी सकते हैं और डेटा दे भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है दोस्तों हमारा अगला पार्ट आता है सीपीयू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए इसमें कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ी नॉर्मल बातें हैं कि जैसे जो सीपीयू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी के द्वारा जो हमारा कंप्यूटर है वो सब कुछ चलता है। उसी के अंदर जो कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, जो भी हम कमांड देते हैं उस वो ही सब कुछ प्रोसेस करते हैं। और इसे एक रूप से ये कह सकते हैं कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क यानी कि माइंड भी कह सकते हैं। वही सारी चीज़ें डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना। और सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती है दोस्तों, एक एएलयू होता है, एक मेमोरी होती है और एक सीयू होता है। और इनके अंदर देखिए मुख्य रूप से क्या पूछा गया है आज तक। जैसे एएलयू के बारे में बात करें तो एएलयू में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। और फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मुख्य काम क्या होता है, ये जोड़ घटा गुना भाग करने में, यानी कि लॉजिकल जो चीज़ें हैं तार्किक क्रियाएं करने में ये काम आता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जहाँ पे लॉजिकल काम किया जाए कंप्यूटर के अंदर तो उसमें कौन सी यूनिट काम आएगी, तो उसमें आएगी एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास क्या है। ये दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये देखिए ज़्यादा आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता। आगे दोस्तों हमारे पास कंट्रोल यूनिट सीयू। और इसके अंदर क्या होता है कि एक तो वही है कि हमें हर चीज़ का पूरा नाम पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। सीयू कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान की कोशिश करता है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। वही है कि मैंने बताया कि इनमें मुख्य रूप से इनके जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। फिर भी आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ है। और आगे जो हमारा आता है दोस्तों पार्ट आता है वो है मेमोरी यूनिट, जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रह करके रखता है। अब देखिए हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो सेव होगी, कंप्यूटर उसे समझने के लिए मेमोरी यानी कि याददाश्त के रूप में उसे सेव करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से जो मानव होता है वो भी कुछ चीज़ें सेव करके रखता है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर होता है। और कंप्यूटर में जो मुख्य रूप से दो तरह की मेमोरी मानी जाती है दोस्तों, इसमें कहते हैं कि एक इंटरनल मेमोरी या फिर उसे क्या कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और जो दूसरी जो मेमोरी होती है दोस्तों उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और इन सभी के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी होती है। अब देखिए, ये है हमारे पास, एक तो है वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। ये दोस्तों मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये जो दोनों मेमोरी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें से पहले कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, परिवर्तनशील मेमोरी होती है, वो किस तरह की मेमोरी होती है। अब देखिए, इसे प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अब दोस्तों यहीं पे आप पॉइंट नोट कीजिए, जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है उसे हम किस तरीके से कहते हैं, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और यानी कि प्राइमरी यानी कि मुख्य मेमोरी भी इसे कहा जाता है। यह सीधे सीपीयू के संपर्क में रहती है तथा इसके डेटा और निर्देशों का सीपीयू द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसे परिवर्तनशील मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता, जैसे कि रैम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरी है कि जो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जो मेमोरी सेव होती है वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है, टेम्प्रेरी मेमोरी इसके अंदर सेव होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना ज़रूरी है हमें, और इसमें उदाहरण के रूप में हम रैम कह सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों कि जो रैम है हमारा RAM, ये किस तरह की मेमोरी है, ये UGC नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो ये जो रैम जो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, और ये क्वेश्चन आया था हमारा नवंबर 2017 के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है। और आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखते हैं, इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में किया जाता है, यानी कि जो मेमोरी हमें परमानेंट रूप से सेव करनी है तो उसके लिए हम किस तरह की मेमोरी का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हम यूज़ करते हैं, ये हमें पता होना ज़रूरी है। और जैसे इसका उदाहरण देखें तो हम हार्ड डिस्क होगी, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, या फिर जो हम जो चिप वगैरह लगाते हैं तो वो होगी, वो एक्सटर्नल जो मेमोरी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी उसे कहा जाता है। और ये तो होगी हमारे दोस्तों मेमोरी, ये तो दो तरह की मेमोरी हमने पढ़ी। और आगे देखते हैं स्पेस के आधार पे, जो स्पेस किसी का कम होता है ज़्यादा होता है, तो उसके आधार पे हमारी जो मेमोरी वो कितने तरह की हो सकती है उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहली जो मेमोरी आती है दोस्तों, रजिस्टर मेमोरी आती है। और ये चीज़ भी मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि ये जो चार तरह की अब हम मेमोरी करने वाले, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप चाहे हो सके तो दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। हम बात करते हैं कि रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। देखिए, रजिस्टर मेमोरी को रजिस्ट्रम भी कह सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ और सबसे छोटी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो वो होती है दोस्तों हमारी रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है उसको, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई बार सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वो रजिस्टर मेमोरी दे देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे मेमोरी दे देंगे, और उन्हें हमें आगे पीछे लगाना होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। उसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी चाहे फ़ोन की हो या कंप्यूटर की हो, कोई भी काम अत्यधिक तेज़ी से करती है। असल में कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी, लेकिन कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब देखिए, इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कैश मेमोरी क्या होती है, जैसे कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हम अपना नाम नंबर जो भी चीज़ें हम भरते हैं, जैसे गेम हम खेलते हैं, ठीक है, गेम खेलने के बाद में जैसे हमने एक स्टेज पार कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, तो वो सारी की सारी क्या है कि कैश मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। इसी तरीके से जब हम
जो अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट के अंदर क्या होता है कि मान के चलिए हमने एक यूजीसी नेट की वेबसाइट खोली, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ब्राउज़र के अंदर उसकी कैश मेमोरी सेव हो जाएगी, और उससे क्या होगा अगली बार जब हम वही वेबसाइट खोलेंगे तो वो बहुत जल्दी खुलेगी, क्योंकि उसने हमारे ब्राउज़र ने उसकी जो मेमोरी है पहले से ही सेव कर ली है, और उसे पता है कि ये व्यक्ति दोबारा अगर वेबसाइट खोलेगा तो इसकी जो वेबसाइट है बहुत जल्दी ओपन होगी। तो कैश मेमोरी का यहाँ पे यूज़ होता है, और कैश मेमोरी जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती है चाहे कंप्यूटर में हो चाहे हमारे मोबाइल के अंदर, वो सभी कैश मेमोरी का यूज़ करती है ताकि वो स्मूथली चल सके, तो इसलिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। और जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों ये सेकंड नंबर पे आती है हमारी रजिस्टर मेमोरी के मुकाबले में, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा प्राइमरी मेमोरी जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के अंदर। अब दोबारा इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डेटा सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो हमारी मुख्य मेमोरी होती है, और उसके अंदर क्या है कि जो प्रोसेस करने के काम आती है, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मुख्य रूप से दो मेमोरी हम कहते हैं वो होती है, एक तो रैम होती है और एक रोम होती है। और ये एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यह जो मेमोरी होती है अस्थाई मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। और देखिए रैम और रोम जो है वो हमारी दो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। अब रैम की बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे हमें पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहा जाता है। अब देखिए रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो उस दौरान छोटी छोटी मेमोरी की आवश्यकता होती है, जैसे कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उससे हमने कुछ चीज़ दबाई है तो वो सबसे पहले रैम के अंदर जाती है और उसके बाद में वो आगे प्रोसेस की जाती है। और जो रैम जो होती है दोस्तों वो क्या है कि जैसे कि हमने कंप्यूटर बंद किया या बिजली चली गई तो उसके बाद में वो सारी की सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है, मिट जाती है, क्योंकि वो स्टोर नहीं की जाती, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जो रैम जो होती है दोस्तों वो हमारी अलग अलग साइज़ की हो सकती है। देखिए ये जो साइज़ है दोस्तों ये हमारे पहले के साइज़ होते थे, लेकिन आज के टाइम में जो रैम है वो 1 GB आती है, 2 GB आती है, 4 GB आती है, 6 GB आती है, इस तरीके से रैम का जो साइज़ है वो होता है। और जैसे आजकल आपने इसमें भी देखा होगा हमारे जो फ़ोन है, फ़ोन के अंदर भी हम सुनते हैं कि इसके अंदर 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, तो जिस फ़ोन की जितनी ज़्यादा रैम होगी वो फ़ोन या कंप्यूटर उतना ज़्यादा स्मूथली चलेगा। और आगे जैसे देखते हैं हम रैम के भी 3 तरह के प्रकार है, डायनामिक रैम और सिंक्रोनाइज रैम और स्टैटिक रैम। अब देखिए इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि UGC के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाता, इनकी मुख्य मुख्य बातें पूछी जाती है। और आगे देखते हैं दोस्तों हमारे पास आगे है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इसका हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें वही बात है कि इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह है स्थाई मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। अब देखिए रोम क्या होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर है या फिर अपना मोबाइल है जब लेके आते तो उसके अंदर कई एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल हुई होती है। जैसे कि हम बात करें हमारे पास क्लॉक जो होगी, घड़ी जो होती है फ़ोन में और कंप्यूटर में, कैलकुलेटर हो गया, और भी काफ़ी तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पहले से ही स्टोर होती है, तो वो किसके अंदर होती है, वो हमारी रोम के अंदर होती है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उसको हम केवल यूज़ कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जो कंप्यूटर के अंदर हमारा कैलकुलेटर बन के आया पहले से ही, इसी तरीके से मोबाइल में बन के आया पहले से इंस्टॉल हो गया है, तो उसे हम डिलीट नहीं कर सकते आसानी से, उसको हम केवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से होती है। और
ये क्या होता है, कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता। अब जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर है, तो अगर हम अपने फ़ोन को या कंप्यूटर को बंद कर दें या चलता चलता लाइट चली जाए या किसी भी कारण से बंद हो जाए, तो ऐसी बात नहीं कि जो कैलकुलेटर है वो हमारा चला जाएगा, वो हमारा हमेशा बना रहेगा। और रोम जो है नॉन वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कहलाती है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रैम और रोम दोनों के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक टेबल भी दे रखी है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए रैम जो होते हैं वो हमारी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है और रोम जो होते हैं वो हमारे परमानेंट मेमोरी होते हैं। और इस जो रैम को हम MB के अंदर कैलकुलेट करते हैं और जो रोम होते हैं उसको हम GB के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है। और ये जो होते हैं रैम जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं और ये होते हैं हमारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। और यूज इन नॉर्मल ऑपरेशन जो रैम है उसको नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर यूज किया जाता है, रोम को यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को उस टाइम यूज की जाती है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुका है पहले कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो किस तरह की मेमोरी का यूज किया जाता है, रैम का यूज किया जाता है या फिर रोम का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों UGC NET के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो अगला है दोस्तों राइट डेटा इज फास्टर, रैम के अंदर क्या है कि जो हम जो डेटा ट्रांसफर वगैरह जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट होती है, लेकिन रोम के अंदर क्या है वो थोड़ी स्लो होती है। तो ये मुख्य रूप से काफी अच्छे पॉइंट है दोस्तों, ये हमें याद रखना बहुत ज्यादा। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारे क्या है। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, इसके भी यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इनमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, पी रोम का मतलब क्या है, EP रोम का मतलब क्या है, EEP रोम का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों, आप पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी हमारा जून 2019 के अंदर आया था दोस्तों, तो ये हमें पढ़ना ज़रूरी है, इनकी फुल फॉर्म हमें याद होना ज़रूरी है। और आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कि सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है, यह स्टोरेज के काम आती है। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जो स्टोरेज हम कंप्यूटर से बाहर से जोड़े, जैसे कि हमने हार्ड डिस्क अलग से लगाई और या फिर हमने पेन ड्राइव लगाई या फिर हमने CD डाली या फिर मैग्नेटिक डिस्क डाली जो पहले यूज़ होती थी, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। और उसके अंदर क्या है कि उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमारी पेन ड्राइव होते हैं, पेन ड्राइव हम 10 यानी कि 8 GB पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, 32 GB भी लगा सकते हैं, उसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप होता है जो पहले यूज होती थी, आज के टाइम में बहुत कम यूज होती है, और मैग्नेटिक डिस्क होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी, USB ड्राइव होगी, और इसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क भी आएगी। तो ये दोस्तों ये हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। और कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो रैम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, आप ही मेरे को ये जवाब देना कमेंट बॉक्स के अंदर, जो रैम है वो किस तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है, इसका मेरे को आंसर देना, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी या सही से नहीं। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का जिसको हम केवल देख सकते हैं और उसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम फिजिकल रूप से टच नहीं कर सकते, उसको हम यानी कि उसको काम में ले सकते हैं। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे जो काम है उसको बिल्कुल सिंपल बना देता है कंप्यूटर के अंदर, और आज जो हमारा काम है काम के अनुसार हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। और देखिए जैसे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे कंप्यूटर के अंदर, हमारा फोटोशॉप हो गया फ़ोटो को एडिट करने के लिए, कोरल ड्रा हो गया डिज़ाइनिंग के लिए, और MS ऑफिस हो गया हमारी टाइपिंग वगैरह के लिए। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि हमारा एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस हमारे जो वायरस घुस जाते हैं कंप्यूटर में उन सभी को निकालने के लिए होते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कितने तरह के होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब देखिए जैसे हमारे नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम यानी कि जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए इन्हीं की वजह से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलते हैं। अब इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो मैं, जैसे हमारी विंडो होगी तो वो क्या होती है, वो हमारी
एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे कह सकते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का समूह होता है। अब जैसे हमारी विंडो है, विंडो के अंदर काफ़ी तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशन जुड़ के वो हमारी विंडो बनी हुई होती है, और इसी के द्वारा हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारी चलती है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से अभी जून 2019 में एक क्वेश्चन आया है। अब देखिए, जैसे इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है, यानी कि जो हमारे जो अलग सॉफ्टवेयर है उनको ऑपरेट करने के लिए, जो या फिर हमारा अलग से कोई हार्डवेयर है उसको ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए, जैसे इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे कि हम घर में प्रिंटर लेके आते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर को चलाने के लिए जब हम अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो उसके लिए हमें एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम अपना कीबोर्ड डालते हैं पहली बार तो उसमें एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि वो हमारे दूसरे हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच एक सेतु या पुल कह सकते हैं उसका वो काम कर रहा है। और आगे हम देखें दोस्तों, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ लेना, यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों हमारे पास असेंबलर। अब देखिए, असेंबलर क्या होता है, ये जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसी का भाग है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि असेंबलर क्या होता है। अब देखिए, असेंबलर क्या होता है, कंप्यूटर असेंबल भाषा में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता, और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा समझता है। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि जीरो और वन की जो भाषा होती है उसको समझता है, और इसीलिए असेंबल भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। अब देखिए, जो कंप्यूटर है वो असेंबल भाषा तो समझता नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि असेंबल भाषा जो होती है उसको हम मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए एक ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। जो भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करे उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और पहले बहुत बार आया। यानी कि जो ट्रांसलेटर असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, यानी कि जो असेंबल को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करे उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कंपाइलर है। अब देखिए, कंपाइलर को समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए दो तरह की भाषाएं होती है। सबसे पहली होती है निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। अब देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। और जो हमारा असेंबलर था वो क्या था दोस्तों, वो असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, कहीं आप इसमें कन्फ्यूज़न ना हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिखी हुई, आप बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, असेंबल और कंपाइलर में से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा इंटरप्रेटर। अब देखिए, इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कि C++ होगी, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। इंटरप्रेटर सोर्स कोड की पहली लाइन को अनुवाद करता है। अब देखिए, इसे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है हमें। जो हमारा ये है कंपाइलर है और जो हमारा इंटरप्रेटर है, इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरप्रेटर क्या काम करता है, सोर्स कोड में लिखी गई लैंग्वेज को पहली लाइन को अनुवाद करता है। यदि पहली लाइन में कोई गलती होती है तो उसे दर्शाता है, यानी कि एरर देता है। जब तक वह लाइन पूरी तरह से संशोधित नहीं की जाती, यानी ठीक नहीं की जाती है, जब तक आगे नहीं बढ़ता, यानी कि तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। इंटरप्रेटर क्या करता है कि जो उच्च स्तरीय भाषा लिखी गई है उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है, और जो सोर्स कोड की भाषा होती है उसको सबसे पहले लाइन पढ़ता है, पहली लाइन को अच्छे से देखता है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई एरर होता है तो वो उसे ठीक करता है, और उसके बाद ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये होता है इंटरप्रेटर का काम।
और आगे आता है दोस्तों हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हमारे यूज़ के लिए अलग अलग जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हमारा फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, तो ये हमारी ज़रूरत के अनुसार होते हैं अलग अलग। अब देखिए फोटोशॉप है वो हो सकता है किसी दोस्त को ज़रूरत हो किसी को ना हो, यानी कि अपनी ज़रूरत के अनुसार जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेयर करने में या उसको और बेहतर बनाने में काम किए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो एंटीवायरस है, देखिए एंटीवायरस क्या काम करता है, अगर हमारा जो कंप्यूटर वो हैंग हो रहा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तकनीकी प्रॉब्लम आ रही, तो उसको ठीक करने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में जैसे डिस्क क्लीनर हो गया, हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर काफ़ी तरह की फाइलें, जंक फाइलें इकट्ठी हो जाती है, और उनको क्लीन करने के लिए हम डिस्क क्लीनर का यूज़ किया जाता है। और आगे जैसे रजिस्ट्री क्लीनर हो गया, पासवर्ड जनरेटर हो गया, फाइल बैकअप लेने के लिए, यानी कि हमें लगता है कि ये हमारी फाइलें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका हमें बैकअप लेना चाहिए, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों उनको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर को और बेहतर बनाने में काम आए उसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद जैसे कि ये हार्डवेयर दोस्तों वो चीज़ होते हैं जिसे हम फिजिकल रूप से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको अच्छे से काम में ला सकते हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया जिनको हम टच कर सकते हैं, प्रिंटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, एंटीवायरस आता है, एंटीवायरस और वायरस आता है। अब देखिए एंटीवायरस समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। नॉर्मल भाषा में लगभग सभी दोस्त जानते हैं कि वायरस क्या होता है। देखिए वायरस का सबसे पहले तो हमें पूरा नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। वायरस का पूरा नाम होता है विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही छोटे छोटे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहुंच के हमारे कंप्यूटर के सभी फाइलों को ख़राब कर सकते हैं। और इनका जो पर्पज़ होता है वो काफ़ी तरह का पर्पज़ होता है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में एक बार एक सॉफ्टवेयर वो वायरस घुस गया था, तो उसने क्या किया था, पूरी की पूरी जितनी भी फाइलें थी पूरा कंप्यूटर उसने ख़राब कर दिया था, ठीक है। और उसमें एक फ़ाइल बना दी थी, तो उस फाइल में लिखा हुआ था कि अगर आप अपने कंप्यूटर को ठीक करना चाहते हैं तो आप हमें 40,000 रुपये दीजिए। तो इस तरीके से ये काम में लिए जाते हैं वायरस, ताकि हम किसी के कंप्यूटर को ख़राब कर दें और वापस में फिर ब्लैक मनी हम उनसे मांग सकें। और भी काफ़ी तरह के यूज होते हैं, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन चुराना, उसके यूज़र नेम पासवर्ड चुराने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और अब बात करते हैं हम वायरस के प्रकार की। देखिए वायरस के जो प्रकार है वो काफ़ी तरह के हो सकते हैं, हर रोज़ हर दिन नए नए तरह के वायरस आते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से जो जो है उनकी बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहला है हमारे पास रेजिडेंट वायरस, इसे हम परमानेंट वायरस के नाम से भी जाना जाता है, और आपके कंप्यूटर की सिस्टम मेमोरी में जुड़ जाता है, यानी कि ये जो वायरस होता है वो रैम के साथ जुड़ जाता है, और जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही ये फाइल को इन्फेक्ट कर देता है, सारी की सारी फाइल को ख़राब कर देता है। और आगे दोस्तों हमारे पास ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस क्या होता है, यह वायरस जैसे ही फाइल को संक्रमित करता है यानी कि ख़राब करता है, यह फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर उन्हें बेकार कर देता है। और इस प्रकार का वायरस संक्रमित फाइल की जानकारी डिलीट करता है। इस वायरस को हटाने के लिए सभी संक्रमित फाइल को डिलीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो अगर उनको डिलीट नहीं करेंगे तो वो फाइलें किसी दूसरी और फाइलों को भी ख़राब कर सकती है। देखिए वैसे तो इन सभी वायरस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बस ऐसे देंगे एग्जाम के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है या नहीं है, वो हमें बताना। आगे आता है दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट एक्शन वायरस। अब देखिए ये किस तरह का वायरस होता है, इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान के चलते कि हमारी कोई इमेज है वो वायरस से इन्फेक्ट हो गई है,
तो जब हम उस इमेज को ओपन करेंगे उस फोल्डर के अंदर, तो वो इमेज को ओपन करने से उस फोल्डर में जितनी भी फाइलें पड़ी हो सारी की सारी फाइलों को ख़राब कर देगा। और इसमें एक इस तरह की फाइल बनी हुई होती है, अगर हम इसको ओपन करते तो वो सारे का सारा जो हमारा फोल्डर है वो हमारा ख़राब कर देगा, यानी कि पूरी जो डायरेक्टरी है हमारी उसको इन्फेक्ट कर देगा। और आगे दोस्तों हमारे पास माइक्रो वायरस। अब देखिए माइक्रो वायरस क्या करता है, जो हमारे ऑफिस की जो फाइलें होती है, जो जैसे कि पीडीएफ होगी, टेक्स्ट की जो फाइलें होती हैं, उन सभी को वो ख़राब कर देता है। आगे दोस्तों हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। अब ये देखिए ये वायरस क्या काम करता है, जब हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं तो हमारा कंप्यूटर वो बूटिंग होता है। बूटिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर सभी चीज़ें रेडी होने लगती है, जैसे रैम होने रेडी होने लगती है, और भी जितने भी एप्लीकेशन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर वो सभी के सभी तैयार होने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब बूटिंग होती है तो उस बूटिंग सिस्टम को पूरे के पूरे को ख़राब कर देता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर वो ऑन ही नहीं हो पाता। और आगे दोस्तों हमारे पास फाइल सिस्टम वायरस। यह वायरस कंप्यूटर की डायरेक्टरी को ख़राब कर देता है, यानी कि जो हमारी पूरी डायरेक्टरी होती है कंप्यूटर की उसको ख़राब कर देता है। आगे दोस्तों हमारे पास पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह वायरस जितनी बार सिस्टम को संक्रमित करता है उतनी बार खुद को इंस्क्रिप्ट करता है, यानी कि ये जो वायरस क्या करता है कि जितनी फाइलों को ख़राब करता है और उन फाइलों को हम जितनी बार खोलते हैं वो मल्टीप्लाई होते जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है, अपने आप को कॉपी करता जाता है। उसके बाद है दोस्तों वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। देखिए इसके अंदर क्या होता है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस के अंदर जब हम मान के चलिए कोई वेबसाइट खोलते हैं, मोबाइल के ऊपर खोलते हैं, तो वहाँ पे अनचाहे पॉपअप वगैरह आ जाते हैं, अनचाही ऐड आ जाती है, और हम इंस्टॉल कुछ और कर रहे होते हैं और इंस्टॉल कुछ और हो जाता है। तो वो क्या होते हैं कि वो स्पेशल स्क्रिप्टिंग करके वायरस बनाए हुए होते हैं अपने वायरस को या फिर अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करवाने के लिए। आगे दोस्तों हमारे पास FAT वायरस। यह वायरस क्या करता है दोस्तों, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी फाइल पड़ी है उसकी पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करके अपने सर्वर को सेंड करता है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास मल्टीपराइट वायरस। यह वायरस अलग अलग प्रकार से फैल सकता है, जैसे बूट सेक्टर में और फाइल में, यह बहुत तेज़ी से फैलता है। एक ही कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से ये संक्रमित हो सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है हमारी फाइलों को। देखिए मैंने आपको दो तरह की बात बताई थी कि ऊपर, एक तो बूटिंग, यानी कि बूटिंग जब हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है, एक तो उसमें खराबी आना, और दूसरा क्या है कि हमने कंप्यूटर चला लिया उसके बाद में जैसे हमारी फाइल ख़राब हो जाती है। तो ये जो क्या करता है मल्टी तरीके से, यानी कि बहुत से तरीके से हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। और आगे दोस्तों आगे हमारे पास है वॉर्म्स क्या है। अब देखिए वॉर्म्स की परिभाषा, वॉर्म्स स्वयं प्रकृति फाइल है जो एक संक्रमित कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। मान के चलिए ए नाम का हमारे पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत से वायरस घुसे हुए हैं, और इसमें हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एक पेन ड्राइव लगाई, ए के अंदर हमने पेन ड्राइव लगाई, और पेन ड्राइव लगा के और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके बी कंप्यूटर में हम गए, तो बी कंप्यूटर में जो वायरस आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, वॉर्म वायरस कहेंगे। ये क्या होते हैं कि ये ऑटो जनरेटेड होते हैं, यानी कि ये पहले से ही बने हुए होते हैं, ए के अंदर बने हुए होते हैं और बी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे जैसे ईमेल हो गया, नेटवर्किंग होती है, वेबसाइट वगैरह होते हैं, उनसे भी आ सकते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास मेलवेयर वायरस। अब देखिए मालवेयर क्या होते हैं, मालवेयर कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया जाता है, ताकि वह हमारे या किसी स्पेसिफिक यूज़र के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके। अब जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि मेरा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया था और वो ब्लैक मनी मांग रहे थे, तो इसलिए मेलवेयर को बनाया जाता है। और मेलवेयर का अलग एक और काम होता है, वो डेटा चुराना, पासवर्ड चुराना, यानी कि गलत तरीके से हमारे कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए ये बनाए जाते हैं। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेलवेयर है वो स्पैम ईमेल के ज़रिए भी डाउनलोड किए जाते हैं। स्पैम ईमेल क्या होते हैं, जो हमारी अनवांटेड ईमेल होती है, जिन्हें हम नहीं चाहते, जो जिनका हमें नहीं पता हो कि कहाँ से आई है, जो हमारे यूज़ की नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पैम मेल या जंक मेल भी कहते हैं। और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों कि जंक मेल क्या होते हैं, स्पैम मेल क्या होते हैं। ईमेल के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको हम बताएंगे ईमेल के बारे में पूरी जानकारी। और ये दोस्तों क्या
क्या होते हैं कि ये हमारी अलग अलग वेबसाइट से भी आ सकते हैं, और मेलवेयर के जो कई प्रकार है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वायरस मेलवेयर, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और रैनसमवेयर, स्पैमवेयर, एडवेयर, ये सभी टाइप है दोस्तों। और अगर इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने लगे तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमें ज़्यादा इससे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आई है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, और आप हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। NTAUGCNET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों ICT के अंदर काफ़ी तरह की जनरल एब्रिविएशन और टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को सही से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में हम उन जनरल एब्रिविएशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो पहले आ चुके हैं और जिनके आगे भी आने की संभावना जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है। इनसाइड कंप्यूटर पार्ट, जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं उनके ऊपर किस तरह की जनरल एब्रिविएशन होती है उन पर हम बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे सेकंड नंबर पे BIOS। ये जो है पहले भी पूछी जा चुकी है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 बार पहले आ चुकी है। अब देखिए इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। और आगे दोस्तों हमारे पास DNS, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका मतलब होता है दोस्तों डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर भी इसे कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों DPI, डॉट पर इंच। और आगे दोस्तों हमारे पास DVI यानी कि डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और फिर है दोस्तों हमारे पास FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। तो इस तरह की जो एब्रिविएशन है ये हमें करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, और ये सभी की सभी आप पढ़ जरूर लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास जैसे कि एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GB का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होता है, ये हम बेसिक चीज़ें ये हमें पता होना चाहिए। और आगे जैसे ये है GUI, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये आप ध्यान में रख लेना। और आगे जैसे कि ये है MBPS क्या होता है, KBPS क्या होता है, ये सभी हमें पता होनी चाहिए, और ये नॉर्मली सभी को पता होती है, MB/s, KB/s। और आगे हम देखते हैं, एक है दोस्तों MHz, MHz ये होता है। और फिर है दोस्तों MP3 का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3 ऑडियो, ये हमें पता होना जरूरी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है और ये आने की संभावना होती है। एक ये देखिए दोस्तों MPEG, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है इसको। और फिर है दोस्तों हमारे पास NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल ट्रांसफ़र। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये जो हमारे कलर वगैरह जो होते हैं उनके बारे में होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और उसके बाद है जैसे दोस्तों हमारे पास आगे देखते हैं हम, आगे ये देखिए AMD, एक हमें ये पता होना चाहिए AMD का मतलब क्या होता है, एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। और उसके बाद में जैसे CD के बारे में हमें पता होना चाहिए, कम्पैक्ट डिस्क होता है। और एक ये क्वेश्चन आया है दोस्तों पहले, CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन शायद मेरे को लग रहा है 2018 में या 19 में आया है, मेरे को ध्यान में है ऐसा। और CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल
होता है इसका मतलब। और फिर दोस्तों एक कंप्यूटर, कंप्यूटर की भी हमें पता होना ज़रूरी है। ये कई जो अदर एग्ज़ाम है उनके अंदर ये एब्रिविएशन पूछी जा चुके हैं। इसका मतलब है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आगे दोस्तों हमारे पास CPU, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और फिर है हमारे दोस्तों अब हम बात करते हैं DVD से रिलेटेड जो हमारी एब्रिविएशन है उन पे। अब देखिए DVD से रिलेटेड काफ़ी तरह की यहाँ पे एब्रिविएशन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DVD का मतलब क्या है। DVD का मतलब है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। और DVD रैम का मतलब है, रैम का जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि रैंडम एसेस मेमोरी। तो ये क्या है कि दो दो जो एब्रिविएशन है उनको जोड़ के बनाई गई है। जैसे कि नीचे है DVD रोम, DVD का हमने पढ़ लिया, और रोम का हमने पढ़ा था ऊपर रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये सभी की सभी आप एक बार देख लेना, बिल्कुल आसान है। और आगे देखते दोस्तों, आगे हमारे पास जैसे कि ये है HDD, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका मतलब होता है। और फिर है दोस्तों LCD, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा जून 2019 के अंदर भी आया था। LCD जो हमारा पहली जो शिफ्ट थी उसी के अंदर मॉर्निंग में ये पेपर आया था। तो इसका मतलब है LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका मतलब होता है। और फिर है दोस्तों LED का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और रैम का हमने पढ़ ही लिया। और उसके बाद दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि HDMI का मतलब क्या होता है। HDMI का मतलब होता है दोस्तों हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस होता है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों और हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, FDD का मतलब है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और आगे देखते हैं आगे कौन सी है हमारे पास आगे, जैसे कि हाँ ये जो है दोस्तों ये भी काफ़ी बार आ चुका है USB। USB का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और फिर है VGA का मतलब है वीडियो ग्राफिक एरे। और फिर है VG रैम वीडियो रैंडम एसेस मेमोरी, या जहाँ पे रैम आ जाए तो उसका मतलब ज़्यादातर यही होगा दोस्तों रैंडम एसेस मेमोरी, और रोम का मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास SSD सॉलिड स्टेट डिस्क, ये भी क्वेश्चन आया था। और फिर है दोस्तों हमारे पास SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। दोस्तों ये सभी चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करना, और अगर मैं इनको समझाने लगूँ कि SMPS क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये जो वीडियो घंटों में जाके बनेगी। तो शायद कुछ कुछ दोस्तों को पता होगा कि SMPS क्या होता है। SMPS वो होता है जिसके अंदर से लाइट की वायर लगती है। और आगे हम देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी है, आगे जैसे कि नेटवर्क से रिलेटेड कौन कौन सी है ये आप देख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए 2G क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G और 5G क्या होता है। 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं 4G कहते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है FTP। FTP का मतलब होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें से क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हैं हमारे पास जैसे कि LAN। अब LAN के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और इसके बारे में LAN, WAN, MAN जो है 3 से 4 तरह की जो एरिया नेटवर्क है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, अच्छे से समझाएंगे कि इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप केवल इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और फिर है दोस्तों IMAP इंटरनेट मैसेज SS प्रोटोकॉल होता है। और फिर है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और GPRS जनरल पैकेज रेडियो सिस्टम। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और देखते दोस्तों और हमारे पास कौन सी है, जैसे कि अब देखते हैं हमारे पास MAC है। MAC का मतलब है मीडिया एसेस कंट्रोल। MAN का मतलब है मेट्रोपोलिटेनियन एरिया नेटवर्क। फिर है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फिर है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। PPP का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी आप एक बार देख लेना। और उसके बाद है जैसे अपनी आगे है, ये सभी नेटवर्क से रिलेटेड है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आया है। और फिर है VPN भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर है WAN वाइल्ड एरिया नेटवर्क। फिर है WAP
वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और आगे हम देखते हैं, जैसे आगे हमारे पास वाईफाई, वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी, और फिर है डब्ल्यू लैन का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास इसके अलावा कुछ अदर जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में हम बात करते हैं। एटीएम का मतलब है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास आईटी, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आगे है हमारे पास दोस्तों IEEE, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये हमें पता होना ज़रूरी है। और फिर है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और उसके बाद और भी है हमारे पास काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों, उन पर एक बार एक नज़र दौड़ा लेते हैं। अब देखिए PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। CPU का हमने पढ़ा था पहले, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, UP। और उसके बाद जैसे RAM का हमने पढ़ लिया, ROM का पढ़ लिया, LCD का पढ़ लिया, LED का पढ़ लिया, और NTFS का भी हमने पढ़ लिया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। और एक हमारा इसके अंदर जैसे फैट है, फैट का हमें ये भी हमने पढ़ लिया। फिर डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ये सभी चीज़ें जैसे CD है, ये भी हमने पढ़ ली। SD का हमें पता होना चाहिए, सिक्योर डिजिटल। और आगे हम देखते हैं, आगे भी अगर कोई है तो आगे ये सभी हमने पढ़ी हुई है दोस्तों, जैसे कि DVD पढ़ लिया हमने, IS पढ़ लिया, और DV डेटाबेस हो गया, SYS ये भी हमने देख लिया, और फिर डिलीट हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे अगर कोई और है तो उसके अंदर WMP विंडो मीडिया प्लेयर, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, और TMP टेम्प्रेरी होता है। और आगे हम देखते हैं, हाँ आगे ये चीज़ें हमने वैसे पढ़ ली, लेकिन फिर भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फेज 3, MPEG 3 भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये आप एक और पढ़ लेना। और एक और इसके अंदर जैसे JPG है, JPG काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, AVI। आगे दोस्तों हमारे पास WMV, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर है GIF, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से पहले क्वेश्चन आया है, ग्राफिक्स इंटरचेंजिंग फॉर्मेट होता है इसका मतलब। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे आप दोबारा से ये देख सकते हैं इनमें से भी, जैसे डोमेन DNS, ये भी हमने दे दिया। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे, ये देखिए ये नई चीज़ आई है HTTP, इसका मतलब होता है दोस्तों हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों HTTPS, इसमें से ये क्वेश्चन हमारा आया था शायद जून 2019 के अंदर ही आया है। HTTPS का मतलब है दोस्तों हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब ये होता है। जैसे कि आप कई बार वेबसाइट खोलते हो तो उनमें कईयों में तो होता है HTTP होता है, और कईयों में HTTPS होता है। HTTPS वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लेन देन किया जाए, जैसे Amazon है, Amazon पे जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, तो जहाँ पे पेमेंट की बात आए वहाँ पे होगा HTTPS यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास HTML, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद जैसे PHP आप पढ़ लेना, और फिर है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब है। तो ये सभी आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद है जैसे CC, हाँ ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका मतलब होता है दोस्तों। और जैसे आगे है SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और फिर है WWW, ये भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब होता है। और आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये जैसे आप एक बार पढ़ सकते हैं, SEO, CEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप ध्यान देना। और फिर है हमारे पास MMS, ये भी एक क्वेश्चन आया था पहले दोस्तों, मल्टीमीडिया सर्विस, इसका मतलब होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कोई और इम्पोर्टेंट है तो ये हमने पढ़ ली। हाँ एक चीज़ और, गूगल का वैसे नहीं पूछ सकते आप, फिर भी पढ़ लेना गूगल का मतलब क्या होता है, याहू का, इंटेल का,
और LG का ये वैसे नहीं पूछ सकते। हाँ ये पूछ सकते दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका मतलब होता है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इनमें से क्वेश्चन आया है दोस्तों, जून 2019 में इनमें से क्वेश्चन आया है और 17 में भी इसमें से क्वेश्चन आया है। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये दोनों एब्रीवेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ICT जर्नल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी, और हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि हम आपको सभी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन करवाएं, लेकिन अगर फिर भी इनमें से कोई चीज़ छूट जाते तो हम आगे की वीडियो में आपको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये दोस्तों अब हम सभी तरह की फ़ाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, और इस वीडियो में वैसे तो हमने सभी की सभी फ़ाइल एक्सटेंशन दी हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मेन जो फाइल एक्सटेंशन है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ये वीडियो रोक के सभी की सभी फ़ाइल एक्सटेंशन ज़रूर देख लेना, क्या पता एग्ज़ाम के अंदर कौन सी फ़ाइल एक्सटेंशन पूछ ले। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। इसके अंदर जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे MP3 होती है, MP3 वो एग्ज़ाम के अंदर क्या देंगे कि जैसे कि फाइल एक्सटेंशन .mp3 किसके लिए यूज़ होती है, वो आगे ऑप्शन देंगे, तो हमें उनमें से सिलेक्ट करना कि कौन सा सही है। तो MP3 किसके लिए होती है, MP3 ऑडियो फाइल के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है जैसे .mpa, ये होता है MPEG 2 ऑडियो फाइल के होती है। उसके बाद .wav, ये होती है वेव फाइल के लिए होती है। और फिर होती है WMA, ये होते हैं विंडो मीडिया ऑडियो फाइल के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद जैसे WPL, ये होती है विंडो मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट के लिए यूज होती है। और इसके अलावा भी और जैसे यहाँ पे ये दी हुई है, ये सभी के सभी आप एक बार ज़रूर देख लेना, ये भी आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर। अब बात करते हैं हम वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में। देखिए दोस्तों आपने वीडियो काफ़ी तरह की वीडियो देखी होगी, जैसे Full HD वीडियो देखी है, MP4 वीडियो देखे, तो हर तरह की जो वीडियो होते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन अलग अलग होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर है हमारे पास AVI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑडियो वीडियो इंटरलेव फाइल होती है। फिर है FLV, इसका मतलब होता है अडोब फ्लैश वीडियो फाइल। और उसके बाद में जैसे ये है, ये भी आप देख लेना, और आगे हम देखते हैं कि आगे वीडियो फाइल के अंदर और किस तरह की होती है वीडियो फाइल एक्सटेंशन में, और भी है जैसे कि .mkv। दोस्तों आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो हमारी वीडियो फाइल होती है उसके लास्ट के अंदर एक्सटेंशन होती है, जैसे .mov, .mp4 और .mpg, तो इस तरह की सभी होती है। तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि MOV का मतलब क्या है, ये यहाँ पे फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पे दी हुई है सभी की सभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम के अंदर वो कैसे दे सकते हैं, ये दे सकते हैं दोस्तों इनमें से जैसे ये चार दे देंगे, चार फाइल एक्सटेंशन दे देंगे, और वो कह देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आप एक बार ज़रूर देख लेना। और आगे हम देखते हैं जैसे कि आगे 3GP जो है वो हमारे पहले काफ़ी यूज़ होती थी। 3GP जो वीडियो होती थी उनकी क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी होती थी, और उनका जो साइज़ होता था वो भी बहुत कम होता था, तो ये सभी के सभी आप एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास इमेज फाइल एक्सटेंशन। अब देखिए इमेज भी हमारी काफ़ी तरह की होती है, जैसे PNG हमने देखी है, JPG देखी है, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे है .ai, इसका मतलब होता है अडोब इलस्ट्रेटर फाइल। और फिर है BMP, बिटमैप इमेज फाइल। फिर है GIF, इसका मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। और GIF के बारे में पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर और भी है, जैसे कि PNG की मैं बात कर रहा था, इसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज होता है। फिर JPEG का मतलब तो यही होता है JPEG, और इसका फुल फॉर्म मैंने उसके अंदर दिया हुआ है, जो हमारी फुल फॉर्म वाली वीडियो है उसके अंदर देख लेना। और उसके बाद है जैसे PSD होता है दोस्तों, जो हमारी फ़ोटोशॉप की जो फाइल होती है उसे हम PSD के नाम से जानते हैं। और .svg, ये सभी यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम के अंदर ये आ जाए कि PSD फाइल एक्सटेंशन किसके लिए यूज़ की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये
इमेज के लिए यूज़ की जाती है, और वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इमेज भी दिया हुआ होगा, ऑडियो फाइल भी दी हुई होगी, वीडियो फाइल भी दी हुई होगी, तो ये हमें पता होना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, पीडीएफ फाइल होती है, पीपीटी होती है यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, और डॉक की फाइल होती है, तो ये सभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो यूज़ में होती है वो होती है डॉक यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल होती है DOC। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि ODT आप देख सकते हैं, ओपन ऑफिस राइट डॉक्यूमेंट फाइल, और फिर है PDF जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर है RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, इनकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फाइल के अंदर किस किस तरह की एक्सटेंशन आती है, ये हमने यहाँ पे सभी दी हुई है। और आगे हम देखते हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं, आप सभी एक बार देख ज़रूर लेना इन सभी को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट जैसे कि हमारी जो एक्सेल वगैरह की फाइल होगी उनके अंदर किस तरह की फाइल एक्सटेंशन यूज़ की जाती है, इसके अंदर जैसे .excel माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए यूज़ की जाती है। और एक जैसे PPT होती है, PPT होती है दोस्तों हमारे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है, तो ये हमारी मुख्य रूप से फाइल एक्सटेंशन है। और इसके अलावा भी जैसे कि आप और भी कई फाइल एक्सटेंशन है जो बिल्कुल अलग होती है, अलग कैटेगरी की होती है। अब देखिए जो एक और नई फाइल एक्सटेंशन है वो है दोस्तों APK। APK होती है जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं इंस्टॉल करते, तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है उसे कहते हैं हम APK। इसका मतलब होता है एंड्रॉयड पैकेज फाइल। फिर होता है .bat बैच फाइल, .bin बाइनरी फाइल, तो इन सभी को आप देख लेना। और .com इसको भी कई बार जैसे .com वैसे तो आपने सुना होगा कि जो वेबसाइट वगैरह होती है उसमें लगता है, लेकिन ये फाइल एक्सटेंशन भी होता है। MS-DOS कमांड फाइल होता है, और फिर है .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। और उसके बाद देखते दोस्तों हमारे पास जैसे .jar जावा आर्काइव फाइल होता है, और ये सभी आप एक बार देख लेना। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों और सम अदर इम्पोर्टेंट फाइल भी हम देख लेते हैं, जैसे AU ये होती है बेसिक ऑडियो होती है, AVI ये हमने कर ली दोस्तों मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो फाइल, और BMP ये भी हमने कर ली। यहाँ पे हमने कोई और भी कई चीज़ें दी है, यहाँ पे आप देख लेना, जैसे कई चीज़ें इसके अंदर नहीं है। एक होता है हमारे साथ .CDR होता है, ये होता है दोस्तों हमारे जो कोरल ड्रा होते हैं डिजाइनिंग के लिए उसकी फाइल होती है ये। और यहाँ पे जैसे कई चीज़ें जो हमने मिक्स की हुई है पहले भी दे रखी है, फिर भी आप इनको देख लेना। और यहाँ पे GIF ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले आ चुका है। और एक हाँ, एक HTML हमें पता होना चाहिए किसके लिए यूज़ होती है, ये हमारे वेब पेज के लिए यूज़ होती है। और फिर Mac पेंट के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद में जैसे और तो जैसे हमने ये सभी कर ली, PDF कर ली, PNG कर ली, PPT कर ली, PSD भी कर ली हमने। और उसके बाद में जैसे हाँ एक ये चीज़ है क्वार्क एक्सप्रेस। क्वार्क एक्सप्रेस होता है दोस्तों हमारे जो टाइपिंग वगैरह करते हैं उसके लिए यूज़ होती है। और हम देखते हैं इसके अंदर अगर कोई और भी इम्पोर्टेंट फाइल है, तो एक हमारी ZIP होती है दोस्तों, ZIP हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करते हैं, उसका फाइल का साइज़ है वो कम करते हैं, तो उसे हम ZIP फाइल के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मुख्य रूप से फाइल एक्सटेंशन। आप एक बार फिर से इन सभी को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहती है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTAUGCNET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मेमोरी साइज यानी कि KB, MB, GB, TB, PB के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है,
तो ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी साइज़। अब देखिए हम नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं, हम सुनते हैं KB, MB, GB, आजकल जो भी फाइल है जैसे वीडियो होगी वो MB वगैरह में आते हैं, GB वगैरह में आते हैं। तो इसके अंदर हम जो मेमोरी साइज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों, इसके अंदर जो हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी साइज़ जिसे कहा जाता है, सबसे छोटी मेमोरी होती है बिट होती है, बिट 1 और 0 इसका साइज़ से डिनोट किया जाता है, और इसका सिंबल है वो छोटा बी होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास निबल होता है, निबल के अंदर 4 बिट्स होती है। उसके बाद आती है दोस्तों बाइट्स आती है, बाइट्स को हम बड़े बी से डिनोट करते हैं और इसके अंदर 8 बिट्स होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास किलोबाइट जिसे हम KB भी कहते हैं, और इसे के और बी यानी कि बड़े KB से डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर 1024 बाइट्स होती है। और उसके बाद जैसे दोस्तों हमारे पास मेगाबाइट यानी कि MB को हम डिनोट करते हैं MB से, बड़े MB से, और ये होती 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास गीगाबाइट GB, और ये होते 1024 मेगाबाइट के। तो ये चीज़ इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अंदर एक चीज़ पूछी जाती है जो हमेशा क्वेश्चन पेपर के अंदर आती है, वो क्या करते हैं कि ये जैसे बिट दे देंगे, निबल दे देंगे, किलोबाइट दे देंगे, मेगाबाइट दे देंगे और GB दे देंगे, ये सभी वो रैंडम तरीके से देंगे और हमें इनको अरेंज करना होगा। सबसे पहले छोटी कौन सी होगी, फिर बड़ी कौन सी होगी, फिर बड़ी कौन सी होगी, इस तरीके से हमें उनको क्रमवाइज लगाना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी हमारी बिट है, और फिर निबल है, फिर बाइट है, फिर KB है, फिर MB है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और, जैसे वो कई बार ये पूछ लेते हैं कि 1 MB इज़ इक्वल टू, वो देंगे बराबर में ऑप्शन में देंगे 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि MB है वो किसके इक्वल टू होती है, और जो GB है वो किसके इक्वल टू होती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में देख लेना। और इसमें से और भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो हम धीरे धीरे जैसे वीडियो कर रहे हैं तो उसमें आपको बताएंगे। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास टेराबाइट यानी कि TB, इसके अंदर नॉर्मली 1000 GB मेमोरी पाई जाती है, और एक्चुअल में इसमें 1024 GB यानी कि GB की मेमोरी होती है, और इसे बड़े TB से डिनोट करते हैं। फिर आता है दोस्तों पेटाबाइट, पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट होता है। तो इस तरीके से ये होती है दोस्तों। और वैसे तो इसके अंदर काफ़ी तरह की है मेमोरी, जैसे एक्जाबाइट हो गया, फिर GB बाइट हो गया, फिर UB बाइट हो गया, लेकिन नॉर्मली जो हमारे आम चलन के अंदर होते हैं वो दोस्तों टेराबाइट तक ज़्यादातर यूज़ में लाई जाती है। ये जो मेमोरी है दोस्तों, एक मिनट, ये जो मेमोरी है ये हमारी एक्स्ट्रा लेवल पे मेमोरी होती है, ये हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज़ नहीं होती। और इसके बाद में देखते दोस्तों और भी हमारे जो मेमोरी साइज़ है वो किस तरह से उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारी ट्रेडिशनल यूनिट, इसके अंदर देखते हैं कि हमारी जो मेमोरी साइज़ है वो किस तरह का होता है। अब देखिए, जो KB है किलोबाइट, ये हमने पीछे पढ़ा है 1024 बाइट के इक्वल होता है। और इससे अगर हम बाइनरी के अंदर देखें, बाइनरी के अंदर इसका साइज़ किसके इक्वल टू होता है, तो ये 2 की पावर 10 होता है दोस्तों। और मेगाबाइट यानी कि MB होता है 2 की पावर 20 होता है, गीगाबाइट के अंदर 2 की पावर 30 होता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब बाइनरी की बात आती है तो 10 की जो पावर वो इंक्रीज होती जाती है दोस्तों, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 30, 40, 50, यानी कि जो 2 की पावर है वो 10 के हिसाब से इंक्रीज होती जाती है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है इसको याद रखने का, बिल्कुल आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख के चलिए कि सबसे पहले हमारा KB आता है, सबसे पहले KB आता है, और फिर MB आता है, और फिर GB आता है, और फिर TB आता है। तो इस सिक्वेंस में याद रखिए आप, 1, 2, 3, 4, इस हिसाब से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, अगर मान के चलिए हमारे क्वेश्चन में आ जाए कि GB है वो कितने बाइनरी नंबर्स के इक्वल टू होता है, जो 2 की पावर वो कितनी होती है, वो हमें पूछ लिया जाए, तो वो आप कैसे करोगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
आप अरेंज करना, सीरीज में लगाना कि जो जी है, जीबी है, वो कितने नंबर पे आता है। तो अभी मैंने बताया कि केबी का एक रख लिया हमने, एमबी का दो और जीबी का थ्री, यानी कि ये थ्री नंबर पे आता है। तो थ्री नंबर पे जैसे टू की पावर सबसे पहले क्या था, टू की पावर 10 है दोस्तों, 2 की पावर 10, फिर 2 की पावर 20, और फिर क्या आएगा 3 नंबर पे 2 की पावर 30। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर टेराबाइट टीबी की बात करें तो 2 की पावर 40 होगा दोस्तों, और फिर पीवी वाइट का होगा 2 की पावर 50 होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ और है इसके अंदर, नंबर ऑफ बाइट्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके जो फर्स्ट 3, 4 से 5 जो यूनिट है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि के बी होता है 1024 बाइट के इक्वल होता है, एम बी होता है वो 1048576 बाइट्स के इक्वल होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो ये इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास डेसिमल फॉर कंपैरिजन। अब देखिए, हमने बात की थी पीछे डेसिमल और बाइनरी नंबर्स की, अब बात आती है हमारी डेसिमल की। जो हमारी के वी, एम बी, जी वी है वो डेसिमल के अंदर कितने कितने नंबर के इक्वल टू होते हैं, ये देखिए। किलोबाइट यानी कि केबी की बात करें तो 10 की पावर 3 होता है, एमबी की बात करें तो 10 की पावर 6 होता है, जीबी की बात करें तो 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। और इसके अंदर इसको भी याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। इसके अंदर देखिए 10 की पावर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, यानी कि 3 की जो टेबल है वो चल रही है, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि जो 10 की पावर 3 है वो इंक्रीज़ हो रही है, 3 के टेबल के अनुसार इंक्रीज़ हो रही है। और इसमें भी मैंने आपको वो ही पीछे जो तरीका बताया था कि आप सीरीज में रखिए, मान के चलिए ये पूछ ले कि जो टेराबाइट है वो इक्वल टू डेसिमल नंबर किसके होता है, तो वो हमें बताना है। तो आप देख लीजिए, टेराबाइट चौथे नंबर पे आता है, और चौथे नंबर पे आप सीरीज में लगा के देखिए, 10 जो 3 की टेबल है वो 4 तक 3 चौके 12, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और ये सभी देख लेना दोस्तों, जैसे टेराबाइट हो गया, पेटाबाइट हो गया, एक्जाबाइट हो गया, ये सभी की सभी यूनिट आप यहाँ पे देख लेना, ये बिल्कुल आसान है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें से आ चुका है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कई बार एग्जामिनर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार भी पूछ लेता है कि जो 1 MB है वो इक्वल टू होता है 1 मिलियन होता है, 100,000 होता है, 10 मिलियन होता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, शायद आपको याद होगा, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। अब देखिए, जो हिंदी लैंग्वेज है यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम है वो बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं, जैसे कि 1 हो गया 10 हो गया 100 हो गया 1000 हो गया, और फिर हो गया 10,000, फिर 1,00,000 हो गया, और फिर 10,00,000 हो गया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या होता है दोस्तों, 10,00,000 को हम 1 मिलियन कहते हैं। तो इसके अंदर हमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि जो 1 KB होता है वो होता है दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ बाइट्स के इक्वल टू होता है। और उसके बाद में जैसे 1 MB है, 1 MB होता है दोस्तों 1 मिलियन के इक्वल टू होता है। और उसके बाद है दोस्तों 1 GB आता है हमारा, GB होता है 1 बिलियन के इक्वल टू होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद है दोस्तों TB होता है, 1 TB इक्वल टू होता है 10 ट्रिलियन के इक्वल टू होता है। और इसका इसको याद रखने का एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। ये अब देखिए दोस्तों, इसे याद रखना बिल्कुल आसान है हमारे लिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे हमारा किलोवाट KB की हम बात कर रहे थे, तो KB होता है हमारा 1000 के इक्वल टू होता है, और MB होता है हमारा 10 की पावर 6, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो हमें लगानी है। तो इसमें देखिए मैं एक थोड़ा सा लॉजिक आपको दिखाता हूँ, और एक रुकी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये 100 नहीं आएगा दोस्तों, ये हमारा जो इसमें आएगा दोस्तों 1000 के अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, ये जो रेड है ना यहाँ पे रेड होगा, सॉरी दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये नहीं आएगा इसका, ये कट कर देना कोई नहीं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ कि अगर वो एग्जामिनर पूछ लिया जाए कि एग्ज़ाम के अंदर 1 MB वो इक्वल टू होता है 10 मिलियन होता है, 100 मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है, 1 बिलियन होता है, या 1 मिलियन होता है, तो अब देखिए 1 MB के अंदर M आ गया, और यहाँ पे M यानी कि MM जो है वो मैच कर गया, तो 1 MB इक्वल टू होता है 1 मिलियन के इक्वल टू होता है, यहाँ पे एक अप छोट
यहाँ पे आप एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं। और आगे हम बात करें, जैसे कि टीबी की बात करें, 1 TB इज इक्वल टू, अब देखिए 10 ट्रिलियन, अब देखिए टी डबल टी आ गया, तो टीबी के अंदर क्या होगा, TT टेन ट्रिलियन। इस तरीके से आप बिल्कुल छोटा सा लॉजिक लगा के इसको बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। अब इसमें बताइए 1 MB की हम बात करें तो ये इन साइज बाइट्स के अंदर किसके इक्वल टू होगा, दोस्तों ये आप बताइए मेरे को किसके इक्वल टू होगा। अभी हमने किया था, देखिए 1 KB होता है, वो होता है हमारा 1 KB होता है 1024 के इक्वल टू होता है, और 1 MB किसके होगा दोस्तों, 1048576 मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों 1 MB हमारा होता है 1048576 बाइट्स के इक्वल टू होता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आगे इसके अंदर और क्या पूछा हुआ है, इन साइज KB की बात करें कि 1 MB इक्वल टू कितने KB के होता है, तो ये होता है हमारा 1024 KB के इक्वल टू होता है। और अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें दोस्तों, 1 MB कितने बाइनरी नंबर के इक्वल टू होता है, तो इसके अंदर वही मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहले आप सीरीज़ के अंदर लगा लीजिए, MB है वो कितने नंबर पे आता है, तो सबसे पहले आता है KB और फिर आता है MB आता है हमारा, MB क्या हो गया हमारा 2 नंबर पर हो गया, ठीक है। और बाइनरी नंबर के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो शुरुआत होती है 2 की पावर 10 और फिर 2 नंबर पर क्या आएगा 2 की पावर 20। तो जो हमारा बाइनरी नंबर के अंदर क्या होगा दोस्तों, 2 की पावर 20 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें डेसिमल की बात करें, तो डेसिमल के अंदर मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 3 से हमारी शुरुआत होगी और जो MB है वो सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे जब हम 3 की टेबल लेके जाएंगे तो 3 × 6 यानी कि 10 की पावर 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम इंटरनेशनल नंबर की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया था 1 MB इक्वल टू किसके होता है, अभी मैंने बताया था 1 मिलियन के इक्वल टू होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये था हमारा 1 MB इक्वल टू 1 मिलियन। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं हम। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से मेमोरी साइज़ को याद रख सकते हैं। अगर एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ ले घुमा फिरा के, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको बस ये जो 3 से 4 टेबल मैंने यहाँ पे बना के दी हुई है, ये सभी के सभी आपको आनी चाहिए और इसके बेस पे आप बिल्कुल आसानी से हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC NET यानी निमिजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT के अंदर टॉपिक करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ICT एंड रोल ऑफ ICT इन हायर एजुकेशन। दोस्तों 2016 से लेकर जुलाई 2019 तक डेफिनेशन में से बहुत से क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो डेफिनेशन से आए हैं, और उसके बारे में हम पूरी वीडियो करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ICT की डेफिनेशन से आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये दोस्तों ये सबसे पहले हमारा जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में पूरे डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे, जब ये पूरा टॉपिक कर लेंगे तब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जनवरी 2017 के अंदर ICT के बारे में दोबारा ये क्वेश्चन आया था, और फिर आप देख सकते हैं ये जुलाई 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था ICT के बारे में, इन्होंने पूछ लिया।
और उसके बाद देखिए ये जून 2019 के अंदर भी आईसीटी के बारे में से क्वेश्चन आया है इसकी डेफिनेशन से। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो डेफिनेशन है आईसीटी की वो हमारे लिए करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आईसीटी क्या होती है, इसका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले आईसीटी में बात की जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसकी फुल फॉर्म यहाँ इन क्वेश्चन में पूछी हुई है। मैं आपको वो दिखाऊंगा कैसे पूछी हुई है जब हम ये पूरा टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईसीटी की फुल फॉर्म है दोस्तों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है। और एग्ज़ाम के अंदर हमें घुमा फिरा के देंगे, इंफॉर्मेशन की जगह हो सकता है इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और इसको हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। और इसका अब हम मतलब समझ लेते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को उपकरणों और संसाधनों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, बुद्धिमत्ता, भवन प्रबंध प्रणाली, प्रसारण मीडिया आदि को संभालने के लिए उपयोग किया जाने वाली किसी भी संचार उपकरण और एप्लीकेशन शामिल होती है। देखिए दोस्तों आईसीटी का मैं थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन का मतलब है किसी को सूचनाएं देना किसी, और जैसे मास लेवल पे हम टीवी के ऊपर किसी को सूचनाएं देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने रात 12 बजे नोटबंदी की सूचना दी थी, तो वो होता है मास कम्युनिकेशन, यानी कि मास इन्फॉर्मेशन देना। और कम्युनिकेशन होता है जैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, जैसे हम फ़ोन के ऊपर बात करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं आईसीटी कहते हैं। और ये जो आईसीटी है हमारे दोस्तों ये हर जगह पे यूज हो सकती है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा ना भवन प्रबंध प्रणाली, यानी कि जो भवन निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर भी हो सकता है, पढ़ाई के अंदर भी हो सकता है, और अपने और अलग अलग तरह के काम होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं। तो आईसीटी का यूज़ कहीं भी कैसे भी हो सकता है, आईसीटी को हम किसी एक दायरे में बांध कर नहीं रख सकते। और इसने यहाँ पे एक चीज़ और दी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आईसीटी को किसी विशेष तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये इसकी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। एक दायरे में रख के परिभाषित नहीं कर सकते हम आईसीटी को, क्योंकि आईसीटी में शामिल तरीके और एप्लीकेशन दिन प्रतिदिन डेवलप होते रहते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि आज के टाइम में क्या है, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसका जो आईसीटी का दायरा है वो बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। और अभी धीरे धीरे क्या चीज़ आ रही है अपने पास, AI आ रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कई बार ऐड देखते हैं, कोई बोलता है कि मेरे लिए ये गाना चलाओ वो गाना चलाओ, उनके बोलने मात्र से ही टीवी के अंदर वो गाना चलने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। और AI का जो यूज़ है दोस्तों वो हर दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसी लिए मैं कह रहा हूँ कि जो आईसीटी है उसको हम किसी एक दायरे में बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन एक इसका जो कॉमन मतलब है, इसका कॉमन मतलब वो यही होता है इन्फॉर्मेशन देना और कम्युनिकेशन करना होता है। तो मेरे को लगता है कि आप यहाँ से कुछ हद तक समझ पाए होंगे आईसीटी को। और देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का यानी कि आईसीटी का क्या महत्व है, महत्व आप जैसे मैंने आपको बता दिया कि हर चीज़ के अंदर इसका महत्व है। सर्विस इकोनॉमी यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक तंत्र है उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, यानी कि हमारा जो समाज का ढांचा है, आर्थिक ढांचा जो है उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उसके बाद में जैसे और भी काफ़ी तरह की चीज़ें, जैसे पिछड़े देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसकी बहुत भूमिका है। और उसके बाद में जैसे कि गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता को दूर किया जा सकता है, यानी कि कोई अगर स्टूडेंट है वो अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीख लेता है तो क्या है कि उसके रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं, उनकी जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट बढ़ती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आईसीटी है उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि सूचना तकनीक से प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता आती है, यानी कि जो हमारे भ्रष्टाचार वगैरह है वो बहुत कम होने की संभावना है। पहले क्या होता था, जैसे कि हमने
कोई भी किसी भी कार्यालय में जाके कोई काम करवाया है तो उसको हमें मैन्युअली रसीद दी जाती थी, पर्ची देते थे। और बहुत बार ऐसा होता था हम काम करवा लेते थे लेकिन हमें कोई भी रसीद नहीं दी जाती थी और वो पैसे अधिकारी अपने पास रख लेते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आप कोई भी काम करवाते थे उसको उसके आपको या तो डिजिटल या फिर प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता, आपके पास एक प्रूफ होता है आपके काम करवाने का। तो इस तरह से भ्रष्टाचार में काफ़ी हद तक इसमें कमी आई है। और एक और चीज़ जैसे कि आज के टाइम में बहुत अच्छा हुआ है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म हम बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं, वो चाहे किसी का भी हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे बहुत से जो काम है हमारे ऑनलाइन होने लग गए हैं। और आजकल जैसे ऑनलाइन पेमेंट है, पेमेंट आप घर बैठे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे हमें बैंक में जाना होता था। तो यहाँ से इन सभी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ICT का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व है। और आगे देखते हैं दोस्तों, ICT का उच्च शिक्षा में ICT की भूमिका, रोल ऑफ ICT इन हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन के अंदर दोस्तों ICT का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब जैसे हमने एक रिसर्च की क्लास की थी, उसके अंदर हमने बताया था कि रिसर्च के अंदर जो हम थीसिस वगैरह लिखते तो उनकी काफ़ी तरह की वेबसाइट बनाई हुई है, शोध गंगा बनाई हुई है और प्लैगरिज्म चेक करने के टूल बनाए हुए हैं। वहाँ से हम बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारी जो थीसिस है, जो हमने PhD लिखी है, वो गलत तो नहीं है, उसमें प्लैगरिज्म तो नहीं है, है तो कितनी है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों, पहले प्लैगरिज्म चेक करने के लिए मैनुअल तरीका अपनाया जाता था और वो जो प्रोसेस थी वो बहुत लंबी होती थी और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। तो इस तरीके से जो ICT का है, हायर एजुकेशन के अंदर बहुत योगदान है। और जैसे और मैं इसमें आपको बताऊं, जैसे कि हम ई बुक की बात करें, जैसे कि इग्नू में अगर किसी ने एडमिशन लिया है और उसकी बुक्स नहीं आ रही है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त है तो उनकी 8-8 महीने तक बुक नहीं आती। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर पे जाए और एक दिन के अंदर सारी की सारी बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएँ किससे मिल रही है, ICT से हमें मिल रही है। अगर ICT नहीं होती तो बुक का वेट करते रहिए आपका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। और ICT का जो हमारी हायर एजुकेशन है दोस्तों, उसके अंदर बहुत रोल है, अनगिनत रोल है। क्या 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 बताएं आपको हम। और देखिए इसके अंदर, और जैसे कि मैं बताऊं, जैसे आजकल हम क्या है कि जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म हम 1 घंटे के अंदर बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं और उसी टाइम देख सकते हैं कि हमारे इसमें क्या गलती है। अगर कोई गलती होती है तो हम फोटो करेक्शन वगैरह या जो भी साइन हमारा गलत हो गया है तो वो दोबारा अपलोड कर सकते हैं, हमें एक मौका दिया जाता है। लेकिन ऑफलाइन तरीके के अंदर ऐसा नहीं होता था। अगर हमने एक बार फॉर्म भर दिया, अगर वो गलत है तो वो गलत है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ICT का हमारी हायर एजुकेशन के अंदर क्या योगदान है। और यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, यही बातें मैंने आपको इसके अंदर बताई है, ये आप पढ़ना चाहे तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और भी कई चीज़ें इसके अंदर दी गई है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बोल के बता दी है, यहाँ पे रिटर्न में है, आप पढ़ लेना इनको पढ़ना चाहे तो। और देखिए ICT का हायर एजुकेशन, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गई ये चीज़। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आए थे, इन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आया था हमारा जुलाई 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि यह कथन कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प, विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन या प्रबंध, विशेष सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित है। अब देखिए ये आपको हिंदी में समझ में नहीं आई बात, ठीक है, इसीलिए हमने इंग्लिश में भी यहाँ पे इसको लिखा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि UGC नेट क्लियर करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, उसे हम क्या कहेंगे। तो ये बताइए दोस्तों, उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कहेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे, और या फिर क्या कहेंगे दोस्तों इनमें से। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा इसका आंसर, ठीक है।
तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा है कि क्रियान्वयन प्रबंध योजना, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, तो उन हार्डवेयर का प्रयोग करना, तो इन सभी चीज़ों को क्या कहेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी कहेंगे। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़िए। अब देखिए, ये भी सबसे पहले हिंदी में पढ़ लेते, फिर इंग्लिश में पढ़ लेंगे इसको। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन्होंने क्या कहा है, ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का समुच्चय माना जाता है। सबसे पहली बात कि जो ICT है वो IT का एक पार्ट है, ये इन्होंने कहा है, पहली बात। दूसरी बात समझते हैं, सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है। चलिए, हमने ये दोनों बात यहाँ पे पढ़ ली। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते ताकि हमें अच्छे से ही समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इज कंसर्न्ड एज ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हमें बताना है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। अब ये बताइए, अब देखिए, इन्होंने जो आंसर दिया है, आंसर टू दिया है, नाइदर ए और नाइदर टू, यानी कि एक और दो में से कौन सा भी सही नहीं है। अब ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले ये आती है कि ICT जो है IT का एक सबसेट है, तो दोस्तों ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि IT जो है, IT एक बहुत बड़ा लेवल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों के दोनों अलग फील्ड है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज ए कॉपीराइट। अब किसी सॉफ्टवेयर के एक पीस का यूज़ करना वो कॉपीराइट के अंदर आता है? नहीं दोस्तों, जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो कॉपीराइट के अंदर आता है, उसका एक जो पार्ट है। अब देखिए, जो हमारे फोटोशॉप लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, जैसे MS ऑफिस लगा लेते हैं, MS ऑफिस में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका स्टाइल जो है वो हमने कॉपी कर लिया, तो वो उसके अंदर कॉपीराइट के अंदर नहीं आता, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसके अंदर कॉपीराइट के अंदर आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर टू होगा, नाइदर ए और नॉर टू। ठीक, आगे दोस्तों हमारे पास जुलाई 2018 का क्वेश्चन, ICT शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। अब देखिए, यहाँ पे वही बात आ गई, ICT नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। अब ये बताइए, ICT जो है उसकी फुल फॉर्म इन्होंने दी है, इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी दी है, तो ये तो मेरे को लगता है बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। आप बताना क्या है इसका आंसर। और ये देखिए, आगे इन्होंने दिया है क्यू, ICT के अंतर्गत वे परिणामी प्राविधिक सम्मिलित है जिनके अंतर्गत सर्वे दृश्य दूरभाषा और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा समायोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा केवल क्यू होगा, क्योंकि पहला तो हमने देख लिया कि ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब होता है ICT का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, और तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्यू होगा, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर ऑडियो विजुअल और दूरभाषा कंप्यूटर गणनाएं जो होते हैं उन सभी का समायोजन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आसान हो जाता है एक क्वेश्चन हमारे लिए करना, अगर हम उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने देखा है, जब भी कथन अभिकथन के क्वेश्चन आते तो वो बस उनका दिमाग घूम जाता है, पता नहीं है कैसा क्या क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, एटलीस्ट आप एक बार उसे पढ़ के ज़रूर देखिए उसने उसमें क्या दिया हुआ है। और आगे देखते दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, ये जून 2019 के अंदर आया था। इन्होंने इसमें कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ ICT, ICT के बारे में कौन सी बात सही है। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले कहा है कि ICT इज एक्रोनिमस दैट स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्पिटेटिव टेक्नोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बात कही थी ना कि इन जो हमारे फुल फॉर्म है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने ICT का मतलब दिया इंफॉर्मेशन एंड कम्पिटेटिव
टेक्नोलॉजी दी है। तो आप बताइए क्या आईसीटी का मतलब ये है, क्या आईसीटी की फुल फॉर्म ये है? नहीं, बिल्कुल गलत। इसका जो पी है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। और आगे इन्होंने दिया है द इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी टू स्पॉट लर्निंग इन द इंक्लूसिव एजुकेशन एग्जाम्पलीफाई गुड टीचिंग फॉर आर ऑल लर्नर। तो दोस्तों ये जो इसका क्यू है, ये इसका बिल्कुल सही है कि आईसीटी का जो यूज़ है वो हम इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए और बच्चों को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इसका क्यू जो है अभी कथन, ये इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर टू क्यू ओनली, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान है हमारे लिए आईसीटी करना, और इस तरीके से हम जब एमसीक्यू करते हैं तो कितना मज़ा आता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो रियल में अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके कि हम कितनी आसानी से अपना यूजीसी नेट और जीआरएफ क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। आज हम आईसीटी के अंदर बात करने वाले हैं टाइप ऑफ नेटवर्क की, ट्रोपोलॉजी की और प्रोटोकॉल की बात करने वाले हैं। ये तीनों के तीनों टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार की। कंप्यूटर के अंदर हम कितने तरह के नेटवर्क करते हैं? सबसे पहले आता है दोस्तों इसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क, फिर आता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। और इनमें से दोस्तों क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी जून 2019 में भी आए हैं और पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, इसे LAN भी कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके घर, कार्यालय, स्कूल या कंप्यूटर में किया जाता है। यानी कि जैसे नाम से ही हमें पता है चल रहा है कि लोकल एरिया के अंदर जो नेटवर्क किया जाता है, जैसे कि हमारा एक घर हो गया, एक स्कूल हो गया, यानी कि एक कमरे के अंदर जो नेटवर्क किया जाता है उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये बहुत छोटा नेटवर्क होता है दोस्तों, और इसके बाद में जो नेटवर्क है वो थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, इसे इथरनेट कहते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही सरल और सहज नेटवर्क होता है, यानी कि ये जो नेटवर्क होता है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सिंपल नेटवर्क होता है और इसमें हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और आज के समय में एक लोकल एरिया नेटवर्क में 100 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है, यानी कि इसके अंदर कंप्यूटर तो कितने भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो होंगे लोकल एरिया में, यानी कि एक घर में होंगे, एक दायरे के अंदर होंगे, ठीक है। ये इसके अंदर चीज़ ज़रूरी है ध्यान रखने वाली। और आगे है दोस्तों हमारे पास मैन यानी कि MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और कई बार दोस्तों इनकी पूरी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप फुल फॉर्म भी इनकी ध्यान में रखना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम हमारा जो लोकल एरिया है उससे बढ़ के आगे ऊपर लेवल पर जब नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि दो छोटे लोकल एरिया को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और यह कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ हो सकता है। और इसके अंदर कई सारे राउटर, स्विच, हब के द्वारा हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों को जोड़ा जाता है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये कई किलोमीटर में फैला हुआ हो सकता है, जैसे कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइनें बिछी हुई हो सकती है, नेटवर्क किया जा सकता है उसके अंदर। जैसे कि इसने बताया है कि मैन के अंदर 200 Mbps की स्पीड के साथ जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। और आगे दोस्तों हमारे पास वैन,
अब ये वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब हम मैन से बढ़कर भी और ज़्यादा एरिया में नेटवर्क फैलाना चाहे तो उसे हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह बहुत बड़े भूभाग को नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में कम्युनिकेशन करें, जैसे दिल्ली से लेके हमें मुंबई में कम्युनिकेशन करना है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूरी हो गई, तो बहुत ज़्यादा दूरी के लिए जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और अभी जो एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारे जून 2019 के अंदर, वो ये आया था कि तीनों दे रखे थे और उनको हमें क्रम वाइज लगाना था कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो सबसे पहले आता है हमारा लैन आता है, फिर मैन आता है, फिर वैन आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों आगे हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम काफ़ी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ते हैं, उनमें कनेक्शन करते हैं, वो चाहे किसी भी तरह से हो सकता है, वायर से हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, सर्वर द्वारा, मेन फ्रेम द्वारा, किसी भी तरह से हो सकता है, तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो देखने में कैसा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि उसकी आकृति, उसका लेआउट किस तरह का है, उसकी संरचना किस तरह की है, उसे हम क्या कहते हैं टोपोलॉजी कहते हैं। और अब देखिए ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है मुख्य रूप से चार तरह की होती है, रिंग, बस और स्टार और मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। अब इन सभी के बारे में भी हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। अब ये देखिए रिंग टोपोलॉजी होती है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर जो कंप्यूटर है वो गोल आकृति के अंदर जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। इसमें कई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होते। इसके अंदर जो एक मुख्य रूप से क्या होता है कि एक कंप्यूटर होता है वो दूसरे कंप्यूटर को संचालित करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग यूनिट नहीं होती। इसमें कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्यूटर होता वही दूसरे कंप्यूटर को चलाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी होती है। और इसके अंदर हो सकता है कि जैसे ये कंप्यूटर हम मान लेते हैं, ये कंप्यूटर मेन होस्ट कंप्यूटर है, इसके द्वारा ये सभी के सभी चल रहे हो, तो वो क्या है कि इस तरह की जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे हमारे पास बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है दोस्तों, सभी कंप्यूटरों को एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक कतार के अंदर होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बस टोपोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि किसी एक कंप्यूटर में खराबी आने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर सकता है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों जो हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी एक कंप्यूटर में खराबी होने पर सभी तरह के कंप्यूटर वो खराब हो गए, तो इसे किस तरह की टोपोलॉजी का नाम दिया जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे दोस्तों हमारे पास स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है, स्टार, स्टार के आकार में कनेक्शन इसमें किया जाता है। इसमें देखिए स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में एक हब से ही सारे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे बाकी सभी कंप्यूटर कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हब में कोई खराबी आती है तो सारे नेटवर्क बेकार हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होते। ये देखिए मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ये हमारा होता है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी की तरह होता है, एक स्टार की तरह होता है। इसके अंदर एक मेन कंट्रोलर होता है, उससे सभी के सभी जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए जैसे ये एक मेन है हमारा, इससे सभी के सभी जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा मेन हब खराब हो जाए तो सभी के सभी खराब हो जाएंगे, जैसे कि अगर ये खराब हो जाए तो सभी के सभी ये हमारे खराब हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि अगर एक इनमें से खराब हो जाए, जैसे मान के चलते ये खराब हो गया, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, ना ही इसको पड़ेगा। अगर ये खराब हो गया तो इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि अलग जो कंप्यूटर है जो जुड़े हुए हैं उनमें से अगर कोई खराब हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर को कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता, ये इसके अंदर ऐसे होता है। दोस्तों आगे है हमारे पास मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। मैश नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जो सभी के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ आसानी से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैश नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रोटोकॉल एंड इट्स टाइप की। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होती है और उसके बाद हम इसके टाइप की बात करेंगे। देखिए प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट की दुनिया में एक शब्द का बहुत ज़्यादा योगदान है। देखिए जब हम कंप्यूटर चलाते हैं या फिर कोई कनेक्शन करते हैं नेटवर्क द्वारा, तो उसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और उन्हीं के द्वारा हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमने किस कंप्यूटर से कनेक्ट किया है और उसका एड्रेस क्या है, तो जो कंप्यूटर की भाषा में इसे एक एड्रेस भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं हम प्रोटोकॉल के कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप की हो सकती है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं TCP की। अब देखिए TCP क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका पूरा नाम फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये फुल फॉर्म कई बार आ चुके हैं पेपर के अंदर। TCP का फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और इसको कई बार /IP के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके कार्य की बात करें तो सेंडर से जब एक मैसेज रिसीव होता है तब TCP मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है। ये क्या करता है दोस्तों, जब भी कोई मैसेज अपने पास लेता है तो उसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है कंप्यूटर की भाषा में, और फिर उन पैकेट्स को फिर समझ के जिसे ये देना होता है, जिसके पास सेंड करना होता है, उसको ये सेंड कर देता है। हर पैकेट का एक यूनिक नंबर होता है जिसे रिसीवर कंप्यूटर पैकेट को सीरियल नंबर के मुताबिक रीअसेंबल करता है, यानी कि ये क्या करता है कि छोटे छोटे पैकेट बना के जिसे सेंड करना होता है उसे सेंड कर देता है, और वो रिसीवर होता है रिसीव करके उन पैकेट्स को दोबारा से फिर रीअसेंबल करता है और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं TCP। और मुख्य रूप से दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे दोस्तों हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए IP, इसका भी कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो इसका हमें पता होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो नाम है दोस्तों आपने काफ़ी बार सुना होगा, यह एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है। TCP और IP दोनों प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं। दोस्तों IP एड्रेस में हमें दो बातें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि IP एड्रेस जो होता है एक तो 4 वर्जन का होता है जिसके अंदर 32-bit का यूज़ किया जाता है, IP version 4, और दूसरा होता है दोस्तों IP version 6 होता है। अब देखिए IP version 4 के अंदर 32-bit का यूज़ किया जाता है और IP version 6 के अंदर 128-bit का यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। और जैसे छोटी छोटी बातें इसके अंदर जो मैंने पहले भी बता दी है कि जैसे कि बिट जो होते हैं वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके बाद में 4 bit को मिला के एक निबल का यूज़ किया जाता है, तो ये अलग बात है। और अब ये क्या है दोस्तों, TCP और IP दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए TCP क्या करता है, TCP जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद जब वो सेंड करता है तो सेंड करते समय हर एक पैकेट का एक IP एड्रेस बन जाता है, और वो IP एड्रेस जब रिसीवर के पास पहुँचता है तो रिसीवर क्या करता है कि दोबारा उसको असेंबल करने की कोशिश करता है और मीनिंग समझने की कोशिश करता है, तो ये इसके अंदर मुख्य रूप से है। और आगे दोस्तों हमारे पास इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल। अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है ऊपर वाले से, लगभग सेम ही कह सकते हैं। इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल एक तरह का एड्रेस है जिसके जरिए अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम IP एड्रेस हम करते रहते हैं, और आपने कई बार जैसे कि हम वेबसाइट वगैरह चलाते हैं तो इस तरह के जो एड्रेस है वो आपने बहुत बार देखे हुए होंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी कंप्यूटर का, हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी ने ये मैसेज भेजा तो कहाँ से भेजा है, तो उसे हम पकड़ सकते हैं। अगर कोई इलीगल काम करे तो भी उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी तरह की बातें दी हुई है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल दी हुई है, वो आप बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है POP। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है।
सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हर चीज़ का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल रिसीव और सेंड करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पीओपी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है दोस्तों, जो अलग अलग कंपनियां होती हैं वो अलग अलग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं ईमेल भेजने के लिए। और मुख्य रूप से ज़्यादातर जैसे याहू हो गया, जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, ये सभी कंपनियां SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। ये प्रोटोकॉल मुख्य रूप से क्या करते हैं दोस्तों, जब भी कोई मेल आती है तो वो आइडेंटिफाई करती है कि इस ईमेल को कौन से फोल्डर के अंदर भेजना है। अलग अलग फोल्डर बने हुए होते हैं, जैसे स्पैम फोल्डर हो गया और मार्केटिंग फोल्डर हो गया, पर्सनल फोल्डर हो गया, यानी कि अलग अलग फोल्डर को आइडेंटिफाई करते हुए और उसके अंदर भेजने का काम करती है। आगे दोस्तों हमारे पास FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क या इंटरनेट में जब कभी भी एक फाइल भेजी जाती है तब इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। किसी भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं उसे। और अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये देखिए दोस्तों, इसका मुख्य रूप से कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो हमारे वेबसाइट वगैरह होते हैं उनमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो उसको हम HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और वही बात है कि इसका हमें सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार पूछी जा सकती है। और इसके अंदर जो HTTP के अंदर क्या होता है कि लैंग्वेज यूज़ की जाती है, HTML लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और भी कई छोटी छोटी बातें यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आगे दोस्तों हमारे पास इथरनेट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इथरनेट के अंदर इथरनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन में किया जाता है। जब हम मैंने आपको बताया था कि लैन क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसे हम इथरनेट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन को डिजिटल पैकेज के रूप में भेजता है जो कि कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। इथरनेट नेटवर्क का उपयोग करना अति आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो कंप्यूटर इथरनेट का प्रयोग कर रहा है उसके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि किसी कंप्यूटर के पास NIC कार्ड है और वो इथरनेट के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना कर रहा है किसी अगले कंप्यूटर के पास, तो उसके पास भी दोस्तों यही कार्ड होना बहुत ज़रूरी है NIC, तभी वो जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आई है वो उसे डीकोड कर सकता है और आसानी से उसे समझ सकता है। तो यहाँ से आप पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है ये। और आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है टेलनेट। अब देखिए टेलनेट के अंदर क्या होता है, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल लैन में रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब देखिए टेलनेट जो इथरनेट था, इथरनेट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड करने के लिए था केवल, लेकिन टेलनेट क्या है कि टेलनेट के अंदर हम अगले कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें लॉग इन कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये थोड़ा इसके अंदर फर्क है। वेब में HTTP और FTP की मदद से किसी भी दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस करने की अनुमति देता है, यानी कि टेलनेट के द्वारा वही बात मैंने बताई कि अगले के जो कंप्यूटर है उसमें हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें हम लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास ग्रोफर। ग्रोफर भी एक प्रोग्राम है या प्रोटोकॉल है, यह भी क्लाइंट नेटवर्क प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे दोस्तों हमारे पास ग्रोफर। अब देखिए ग्रोफर के अंदर क्या होता है, ग्रोफर भी एक तरह का प्रोग्राम है या फिर उसे हम सेट ऑफ रूल कह सकते हैं। ये इसका काम भी दोस्तों जो टेलनेट वगैरह था हमारा उसी के अनुसार होता है लगभग। ये भी क्या काम करता है कि जो दूसरे कंप्यूटर है उसकी फाइल को एक्सेस कर सकता है और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ सकता है, तो मुख्य रूप से इसका भी यही काम होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है, इसमें हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखिए
हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। हाइपरलिंक्स का मतलब ये होता है जब भी हम किसी शब्द के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे कोई वेबसाइट खुले या वेब पेज खुले तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक, यानी कि एक शब्द के साथ किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक होना तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक्स। लेकिन क्या होता है कि ग्रोफर के अंदर हाइपरलिंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये हमें चीज़ ध्यान में देने की ज़रूरत है। और इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों, तो हमें इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल नहीं है या फिर कौन सी प्रोटोकॉल है, चार ऑप्शन दे देंगे वो हमें बताना है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसमें से अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत लग रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। NTAUGNET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईमेल के बारे में बात करने वाले हैं, ईमेल के अलग अलग जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं जैसे कि व्हाट इज CC BCC क्या होता है, और उनमें से पूछ लिया जाता है कि अगर हम BCC को मेल भेजेंगे तो वो किस किस को दिखेगी उसका ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आए हैं, और इसके अलावा हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईमेल क्या होती है। देखिए अगर इसे सामान्य भाषा में समझे तो ईमेल होता है, जो मेल होता है वो होता है एक संदेश, और जहाँ इसके साथ ई जुड़ जाता है तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक संदेश। यानी कि आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर के ज़रिए मेल भेजते हैं, फ़ोन के ज़रिए मेल भेजते हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि हम पत्र लिख के किसी दूसरे के पास संदेश भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, लेकिन आज के टाइम हम ईमेल के ज़रिए अपना संदेश भेजते हैं। तो इसे सामान्य भाषा में ईमेल कहा जाता है, और ईमेल जो है वो काफ़ी तरह की हो सकती है, जैसे कि हमने जीमेल में यूज़ करते हैं, याहू में यूज़ करते हैं, हॉटमेल में यूज़ करते हैं, और कस्टम ईमेल भी हम बना सकते हैं अपनी डोमेन का। तो इस पूरे सिस्टम के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। देखिए बात करते हैं हम ईमेल के अंदर मुख्य कितने भाग होते हैं। मुख्य रूप से ईमेल के अंदर तीन भाग होते हैं दोस्तों, जिससे एक ईमेल आईडी बनती है। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम यूज़र नेम कहते हैं, और जो दूसरा भाग जो होता है उसे हम डोमेन नेम कहा जाता है, और एक बीच में लगता है दोस्तों @ इस तरीके से लगता है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये अगस्त 2016 में क्वेश्चन आया है, इन्होंने यहाँ पे BCC के बारे में पूछा है कि BCC क्या होता है। अब यही क्वेश्चन देखिए BCC और CC के बारे में पूछ लिया, जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बिल्कुल आसानी से आपको समझाएँगे, ये वीडियो आप पूरा देखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वेबसाइट से रिलेटेड, यानी कि जो वेबसाइट एड्रेस होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में से 2 से 3 बार क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, और आगे भी इसमें से आने की संभावना है। तो इस टॉपिक को हम पूरा क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। ईमेल के अंदर हम सबसे पहले भाग की बात करते हैं यूज़र नेम की। अब देखिए यूज़र नेम क्या होता है, यूज़र नेम अपने हिसाब से हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि rakeshkumar@gmail.com होता है, या फिर sunilkumar@gmail.com, यानी कि अपने हिसाब से जो यूज़र नेम है वो हम कुछ भी रख सकते हैं। और देखिए चलिए मैं इसको एक उदाहरण के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। ये देखिए ये जैसे हमारी एक ईमेल आईडी है, तो इसके अंदर जो अर्पित जो है ये हमारा यूज़र नेम है, यानी कि @ से पहले जो लगता है इस साइड में
वो क्या होता है उसे हम यूज़र नेम कहते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद होता है हमारा डोमेन नेम होता है। अब देखिए डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम होता है जैसे हमारा gmail.com हो गया, और या फिर जैसे yahoo.com होता है, और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे NTANet हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन नेम है, ये किसी भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट का नेम होता है। और इसके अंदर क्या है कि कई बार हम अपना कस्टम डोमेन नेम भी बना सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि कई बार हाँ आपने देखी होगी ईमेल, उसके अंदर क्या होता है जैसे info@toyota.com, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि उसके अंदर कंपनी अपना खुद का नाम भी रखती है, तो उसे हम कस्टम डोमेन नेम कहते हैं। और अब देखिए एक और चीज़ इसके अंदर आती है, तीसरी क्या है वो है दोस्तों हमारे पास @ का चिन्ह है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर ईमेल के अंदर ये @ का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। आपने हर तरह की मेल के अंदर ये देखा होगा, चाहे वो याहू की हो, जीमेल की हो, हॉटमेल की हो, या फिर जो कस्टमर डोमेन नेम होता है उसके अंदर हो, तो सभी के अंदर @ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में जैसे हम बात करें कि जो ईमेल होती है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं, यानी कि उसके इंटरनल पार्ट कितने होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जब भी हम ईमेल कंपोज करते हैं तो उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, और इससे पहले अगर आप ये देखना चाहें तो ये पिक्चर देख सकते हैं, ईमेल के जो अलग अलग पार्ट थे उनकी बात बताई थी हमने, ये यूज़र नेम हो गया, ये @ हो गया, और ये हमारा लास्ट में होता है कस्टम डोमेन नेम कहते हैं इसे। और अब बात करते हैं ईमेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए ईमेल के अंदर सबसे पहले आता है ईमेल एड्रेस, ये हमने बता ही दिया, जैसे इस तरीके से होता है ईमेल एड्रेस। और उसके बाद होता है हेडर, हेडर के अंदर क्या होता है देखिए मैं बताऊँ आपको, हेडर के अंदर क्या होता है कि ऊपर स्टार्टिंग के अंदर जो मुख्य भाग होता है उसे हम हेडर कहते हैं, और हेडर के अंदर 3 से 4 तरह की चीज़ें आती है। सबसे पहले आती है टू, फिर आता है सीसी, फिर आता है बीसीसी, और फिर आता है सब्जेक्ट। अब देखिए इन सभी को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इनमें से आने की संभावना है। देखिए टू का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें किसी सिंगल एक बंदे को ईमेल भेजनी है तो वहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, यानी कि जिसे हमें मेल भेजनी है। सीसी का होता है दोस्तों कार्बन कॉपी, अब मान के चलिए हमें एक ही मेल 10 लोगों को भेजनी है तो हम सीसी है इसके अंदर 10 लोगों की ईमेल एड्रेस यहां पे डाल सकते हैं। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास बीसीसी, इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो यहाँ भी हमने इसमें दिया हुआ है। देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है इसके अंदर, रुकिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है दोस्तों, जैसे मान के चलते हैं हमने 10 लोगों को ईमेल भेजिए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सभी 10 लोगों को एक दूसरे को ये पता चले कि ये ईमेल हमने किन किन लोगों को भेजी है। अब देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, उससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए हमने सीसी के अंदर 10 लोगों के नाम डाले, जैसे राजेश डाल दिया, सुनील डाल दिया, और क्या नाम ले हमने जैसे तमन्ना डाल दिया, या फिर सुनीता डाल दी, इस तरीके से 10 लोगों के हमने सीसी के अंदर नाम डाले। तो सीसी के अंदर जब हम 10 ईमेल एड्रेस डालेंगे तो सभी के सभी को ये पता चलेगा कि मेरे अलावा और किन किन लोगों को ईमेल भेजी गई है, तो सभी को पता चल जाएगा भाई मेरे अलावा किन किन लोगों को मेल भेजी गई है अगर हम सीसी के अंदर ईमेल एड्रेस डालेंगे तो। और कई बार हम चाहते हैं कि ये ईमेल हम जिन जिन लोगों को भेज रहे हैं तो किसी को एक दूसरे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे अलावा ये ईमेल किस किस को गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जितने भी ईमेल एड्रेस डालते हैं वो किसी को भी शो नहीं होते, किसी को भी पता नहीं चलता कि मेरे अलावा और किस को ईमेल ये भेजी गई है। तो मुख्य रूप से ये काम होता है सीसी का और बीसीसी का, और इसमें से करीब आज से 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो ये जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी दोस्त को कोई बात समझ में ना आए तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं,
हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट आता है। अब देखिए सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने पत्र लिखते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, ये जो हमारी ईमेल है वो किसके बारे में है, ताकि वो कुछ हेडिंग से ही समझ जाए कि उसे अंदेशा हो जाए कि ये ईमेल किसके बारे में है। तो सब्जेक्ट मुख्य रूप से ये होता है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे भी हमने ये सारी चीज़ दी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसान है। और एक चीज़ और जैसे यहाँ पे नीचे मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं ये, यहाँ से जैसे ये हमारी बॉडी होती है दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी हमें विस्तार से जो चीज़ लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे सेंड है, सेंड पे क्लिक करके इसे भेज सकते हैं। सेंड करने से पहले अगर हम चाहें कि इसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना है तो यहाँ पे क्लिक करके वो अटैच कर सकते हैं। और भी कई छोटी छोटी चीज़ें वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो अपने ज़्यादा काम की नहीं है, एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा नहीं पूछी जाती। जैसे कि यहाँ पे आप फ़ोटो अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें दोस्तों, ये हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में जैसे कि मैसेज बॉडी मैंने आपको बता ही दिया कि जिसके अंदर हम पूरे के पूरे अपना जो मैसेज है वो टाइप करते हैं। सिग्नेचर ये होता है कि लास्ट के अंदर हम किसी को भेजना चाहे अपना सिग्नेचर एज ए टाइप, भाई अगले को पता चल जाए कि ये ईमेल किसने भेजी है, तो ये होता है। और ये ईमेल की सेटिंग के अंदर जाके सिग्नेचर करना होता है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं वैसे थोड़ी सी, तो इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। और फिर है अटैचमेंट मैंने आपको बताया कि इसमें हम अपनी वीडियो फाइल जोड़ सकते हैं और वर्ड की फाइल जोड़ सकते हैं, यानी कि कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट इसमें जोड़ के अगले को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य रूप से ईमेल के बारे में जानकारी। और इसके बाद दोस्तों एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, मेल मर्ज। अब देखिए मेल मर्ज क्या होता है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें से करीब 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए मेल मर्ज का मैं आसान सी भाषा में इसका मतलब बताऊँ। अब मान के चलिए हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शादी का कार्ड है। तो शादी का कार्ड क्या होता है कि उसके अंदर जो मैटर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। और हम मान के चलते हैं कि शादी की कार्ड हमें 100 लोगों को शादी का कार्ड भेजना है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो एनवलोप होगा उसका जो ऊपर का कवर होगा उसके ऊपर हमें नाम चेंज करना है, लेकिन अंदर जो मैटर है वो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा और वो हमें सभी को भेजना है। यानी कि एक चीज़ जब बहुत से लोगों को भेजी जाए और जिसका अंदर का मैटर कंटेंट सेम हो लेकिन जो जिसे भेजना है उसका एड्रेस अलग हो, तो मेल मर्ज यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एमएस वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ भी लेटर हमने टाइप कर लिया, जैसे मैंने शादी कार्ड की बात कही या कुछ भी लेटर हो सकता है, वो हमें जैसे कि बहुत से लोगों को भेजना है, तो वहाँ पर क्या है कि एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हम सभी के एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। और फिलअप करने के बाद में वो उतने ही लोगों के पास एक जो लेटर है वो चला जाएगा बहुत से लोगों के पास। और इसमें अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मेल मर्ज एमएस वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जब ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर, वही चीज़ है दोस्तों मैंने आपको बताई है कि एक चीज़ जब हमें बहुत से लोगों के पास भेजनी हो जिसका कंटेंट सेम हो लेकिन एड्रेस अलग अलग हो, तो वहाँ पे हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अंदर यही बात है। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास स्पैमिंग और जंक मेल। अब इसमें से भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए इसका भी मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। स्पैमिंग और जंक मेल ऐसी ईमेल होती है जो हमारे काम की नहीं होती, जो कंपनियों द्वारा भेजी जाती है, वो खुद की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो हमारे ज़्यादा काम नहीं होती। और इसके अंदर काफ़ी तरह की मेल आती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग के गोडैडी की मेल आ गई, इंश्योरेंस की मेल आ गई और होस्टिंग वगैरह की मेल आ गई, काफ़ी तरह की ईमेल प्रमोशन के लिए आती रहती है। और उनके अंदर कई ईमेल ऐसी भी होती है दोस्तों जो हमारा डेटा चोरी करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर कुछ गलत चीज़ें डाली हुई होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह डाले हुए होते हैं, तो उनको ओपन करने से हमारा जो डेटा है वो ख़राब हो सकता है।
देखिए आपने भी इस तरह की काफ़ी ईमेल देखी होगी, अगर नहीं देखे तो आप जीमेल के अंदर जाना और वहाँ पे एक प्रमोशन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आप क्लिक करना, आपको वहाँ पे बहुत सी ईमेल दिखाई देगी, या फिर आप एक स्पैम का एक फोल्डर होगा वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी जो ईमेल है वो दिखाई दे जाएगी। तो स्पैमिंग का और जंक मेल का मुख्य रूप से यही मतलब है, जो हमारी अवांछित ईमेल होती है जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती और जो प्रमोशन के लिए या डेटा चोरी के लिए भेजी जाए उसे हम स्पैमिंग या जंक मेल कहते हैं। अब आगे आता है दोस्तों हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए डोमेन नेम सिस्टम सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि डोमेन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। देखिए डोमेन मुख्य रूप से क्या होता है कि किसी भी जो साइट है, वेबसाइट है, उसके एड्रेस को हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन के अंदर दोस्तों काफ़ी तरह की चीज़ें आ सकती है, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे सामाजिक जानकारी .com हो गया, UGC.net, online.in हो गया, और NTNet.NIC.in हो गया। यानी कि जो हमारा एक मुख्य नेम होता है उसके पीछे जो नेम है वो अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, जैसे .com हो सकता है, .edu हो सकता है, .gov हो सकता है, .org हो सकता है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह के डोमेन नेम देखे होंगे जो अलग अलग होते होंगे। और इसके अंदर देखिए मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जैसे .com है वो किसके लिए यूज़ होता है, .gov किसके लिए होता है, .net किसके लिए होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे .com मुख्य ज़्यादातर जो वेबसाइट .com के अंदर बनी हुई होती है ये व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है और थोड़ा वैसे देखने में भी अच्छा लगता है। और उसके बाद में जैसे .edu ये जैसे कि कोई कॉलेज वगैरह हो गया, इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया, यानी कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए .edu का यूज़ किया जाता है। फिर .gov जो गवर्नमेंटल वेबसाइट होते हैं उसके लिए .gov यूज़ किया जाता है। फिर .mil यानी कि मिलिट्री काम के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है उसे हम .mil का यूज़ करते हैं। उसमें .net यानी कि नेटवर्किंग के लिए जो यूज़ की जाती है उसे हम .net का यूज़ करते हैं। .co जो अगर कंपनी वगैरह के लिए हमें वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम .co का यूज़ करते हैं। फिर है .org के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हम .org का यूज़ करेंगे। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों हमारे डोमेन नेम हैं और इनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से करीब 2 से 3 बार क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। और आगे देखिए जैसे कि इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा URL होता है, सबसे पहले तो हमें URL की फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और इसे सामान्य भाषा में वेबसाइट का एक पता या एड्रेस कह सकते हैं। अब देखिए जो हमारी डोमेन या URL होती है उसके अलग अलग पार्ट को भी हम देख लेते हैं। अब ये देखिए सबसे पहले जो होती है ये होती है हमारी प्रोटोकॉल होती है, ये मैंने आपको बताया था HTTP, ये हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। और आजकल जो यूज़ होते हैं दोस्तों HTTPS भी लगा हुआ होता है। अब देखिए HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है। HTTP दोस्तों ये हमारी सिंपल होती है, सिंपल प्रोटोकॉल होती है, लेकिन जो HTTPS जो होता है ना, जहाँ पे S लग जाए वहाँ, इसका मतलब दोस्तों वो सिक्योर डोमेन के लिए यूज़ किया गया है। जैसे आप Amazon की वेबसाइट पे जाते हो और Flipkart की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे हमें पेमेंट वगैरह करनी होती है, तो दोस्तों जहाँ पे S लगा हुआ होता है वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सिक्योर है, आपको किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। तो मुख्य रूप से S का काम ये होता है, ये क्वेश्चन भी आप आ सकता है दोस्तों, ध्यान में रखना। और आगे दोस्तों ये होती है हमारी सब डोमेन होती है और यहाँ भी अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे WP.com इस तरीके से अलग अलग यूज़ किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर WWW का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों ये डोमेन नेम होता है, जैसे गूगल हो गया या फिर UGC.net हो गया, अलग अलग तरीके से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, डोमेन नेम हो गया। और उसके बाद होता है दोस्तों लास्ट में, जैसे मैंने बताया कि .org होगा या फिर .com होगा या जो भी होगा, इन्हें हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं दोस्तों, और ये आप थोड़ा ध्यान में दे लेना। और इसमें से एक बार ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी
टॉप लेवल डोमेन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। तो दोस्तों इस नोट्स को आप चाहे तो दोबारा पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को पूरा दोबारा से देख लेना, क्योंकि इसमें से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन और भी आने की संभावना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईसीटी में ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में हमने सिलेबस में जिक्र भी किया है, और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने सिलेबस में जिक्र नहीं किया लेकिन फिर भी वो पेपर के अंदर आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये जून 2012 का एग्ज़ाम है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ये इन्होंने पूछा है ASCII, इसकी फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और यही क्वेश्चन हमारा नवंबर 2017 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, तो आगे भी इसके आने की संभावना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में हमने पहले जिक्र नहीं किया। अब ये देखिए दोस्तों एक ये क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके बारे में बाद में भी आया, ये जून 2013 में आया था, क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं। एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है जिसमें निम्नलिखित में से उपविभाजित होती है, यानी कि जो हार्ड डिस्क है वो पहले ट्रैक के अंदर विभाजित होती है और उसके बाद में वो किसके अंदर डिवाइड होती है ये हमें बताना है, तो ये होती है दोस्तों सेक्टर के अंदर, यानी कि सबसे पहले हार्ड डिस्क होती है वो ट्रैक के अंदर विभाजित होती है और उसके बाद में फिर वो सेक्टर में डिवाइड होती है, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें से बाद में भी क्वेश्चन आया है, ये आप देख लेना एक बार। और उसके बाद में जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये क्वेश्चन है दोस्तों देखिए कंपाइलर, इसके बारे में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, घुमा फिरा के दिए हैं एग्जामिनर ने। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और एक बार इसमें से क्वेश्चन ये आया था कि उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों कंपाइलर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इसके बाद देखते दोस्तों हमारे पास ऐसे कौन से है, ये देखिए दोस्तों ये है हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया था और ये एक बार फिर भी दोबारा रिपीट हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि उत्तर औद्योगिकी समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है, यानी कि इसका मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 20 का हम इंग्लिश में देख लेते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इंग्लिश में है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डिज़ाइंड एज इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसका आंसर है दोस्तों। और यहाँ पर इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब है उत्तर औद्योगिकी समाज को क्या कहा जाता है, सूचना समाज कहा जाता है। और यही क्वेश्चन दोबारा फिर आया है, वो मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। और दोस्तों अगर मैं इनके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बनाने लगूँ तो हमारा जो आईसीटी टॉपिक है वो 1 महीने में जाके कंप्लीट होगा, तो इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, बस आप थोड़ा इनको ध्यान में रख लेना, ये इसका आंसर ये आएगा। और देखिए मैं इसका दिखा देता हूँ कि यही क्वेश्चन हमारा बाद में कैसे रिपीट हुआ है, ये देखिए दोस्तों ये सितंबर 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, यही दोबारा रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कास्टन ने किया था, तो इसका है दोस्तों नेटवर्क सोसाइटी है, और हमने पीछे भी किया था वो था नेटवर्क सोसाइटी था। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये क्वेश्चन, यानी कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, तो जो एग्जामिनर है उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के ये दे दिया, यहाँ पे इन्होंने इसका जो ऑथर है उसका नाम दे दिया, तो इस तरीके से ये घुमा फिरा के दे सकते, तो थोड़ा हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और आगे हम देखते दोस्तों आगे भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया जून 2014 के अंदर, ये क्वेश्चन है हमारा, जब BIOS
BIOS, यानी कि जो जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है BIOS, दोबारा लोड किया जा रहा होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा आया है, शायद 2018 में भी दोबारा रिपीट हुआ यही क्वेश्चन। तो इसके अंदर जब हमारा BIOS कंप्यूटर के अंदर लोड किया जा रहा है, इसका मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को चला रहे होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो उसके अंदर क्या लोड किया जाता है, तो वो इसका आंसर आएगा दोस्तों रोम आएगा, रीड ओनली मेमोरी। और BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है दोस्तों इसका मतलब। तो इसका आंसर जो है वो रोम आएगा, और यही क्वेश्चन हमारा शायद 2018 में या 17 में आया, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो इसलिए ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते दोस्तों, आगे भी कई क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे एक ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने बाइनरी डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो नंबर बताए थे वो आपको पता होना चाहिए। ए से एफ तक जो होता है उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर से जानते हैं। और जैसे ये हमारी फुल फॉर्म है, ये भी आप देख लेना दोस्तों, ये सभी की सभी मैंने आप सभी को करवाई हुई है बहुत अच्छे से। और देखते हैं इसके अंदर और हमारे क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारा जून 2015 के अंदर आया था। इसमें इन्होंने कहा है कि कौन 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। तो 1 अरब, 1 अरब को अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में 1 अरब को क्या कहते हैं, और इंग्लिश में मतलब कि जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर के अंदर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन करेक्टर, ये हमें बताना है। तो 1 बिलियन जो होता है दोस्तों वो हमारा गीगाबाइट यानी कि 1 GB का इक्वल टू होता है। और यही क्वेश्चन हमारा 2017 के अंदर भी आया है, और ये हमारा 2015 के अंदर भी आया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊँगा, यही क्वेश्चन आपको रियलिटी में दिखाऊँगा कि कैसे रिपीट हुआ है आगे। इससे पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये एक जैसे कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उनमें से मैंने काफ़ी चीज़ें करवाई है, तो ये 1 बाइट के अंदर इन्होंने पूछा कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। और इसमें देखते हैं एक और चीज़ है दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। तो मेल मर्ज होता है दोस्तों इसका मतलब, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जब हम एक पत्र को, जैसे कि हमारा शादी कार्ड है, उसके अंदर अंदरज का जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, लेकिन बाहर एनवलोप पे हम सभी का नाम अलग अलग लिखते हैं। तो एक ही पत्र को जब बहुत से लोगों के पास भेजा जाता है MS वर्ड के ज़रिए, तो उसे हम कहते हैं मेल मर्ज कहते हैं। और यही क्वेश्चन हमारा दोस्तों 2017 में भी आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना, इसमें आपको सभी चीज़ें पता चलने वाली है। और देखते हैं दोस्तों, ये तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में करवाया था कि जो हमारी डेफिनेशन है कंप्यूटर की, काफ़ी बार पूछी जाती है, 2016 से लेकर और जून 2019 तक 4 बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये आप देख लेना, हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से मैंने आपको बताया है। और देखिए और है, ये देखिए दोस्तों वो बताया ना मैंने BIOS, अब ये देखिए जुलाई 2016 में यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। और मैंने आपको पीछे बताया था कि BIOS के बारे में बताया था ना, वही चीज़ अब दोबारा रिपीट हो गई। देखिए मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को निर्धारण करता है। स्टार्टअप रूटीन यानी कि BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रेडी होने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो वो है दोस्तों हमारा रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, रीड ओनली मेमोरी यानी कि ROM। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन किस तरह से 2 बार रिपीट हुआ। और एक चीज़ और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा कौन सा है, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है। और ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, हमारा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 46, इन्होंने ASCII के बारे में दोबारा पूछ लिया, इसकी फुल फॉर्म इन्होंने दोबारा पूछ ली। और यही क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो पहले कब आया था, आपको याद है, ये आया था हमारा 2012 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, मैंने आपको दिखाया था। चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये हमारा पेज नंबर मैं देख लेता हूँ, पहले पेज नंबर 20 है। तो
और पहले जो ये क्वेश्चन आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए ASCII के बारे में इन्होंने पूछ लिया। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम कभी ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी बातों पे, ध्यान नहीं देते और यहीं पे हम मार खा जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब रिजल्ट आता तो हमें पता चलता है कि हम 4 नंबर से रह गए, हम 5 नंबर से रह गए, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको पहले ही ये पता चल जाए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से अपना नेट और GRF कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हमने जून 2012 से लेकर 2019 तक ओल्ड पेपर PDF बना रखी है। 12 से लेकर 19 तक हमने ओल्ड पेपर PDF बना रखी है, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं। जैसे ये हमारी ICT की है, इसके अलावा रिसर्च की अलग है, कम्युनिकेशन की अलग है और DI की अलग है। सभी टॉपिक की हमने 2012 से लेकर 2019 तक PDF बना रखी है। तो वो PDF आप लेके दोस्तों बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और वो जो PDF है ये आप सैंपल देख सकते हैं, यही वो सैंपल है उसका। और इसमें दोस्तों हमने इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आंसर दे रखे हैं। आगे तो चलिए दोस्तों आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमने नहीं की है सिलेबस के अंदर, क्योंकि दोस्तों काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम। अब ये देखिए दोस्तों जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है हमारा और इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर देखिए 41 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंदर इन्होंने वही बात पूछ ली जो मेल मर्ज के अंदर जो होता है, भाई एक साथ प्रकाशन किया जाता है काफ़ी लोगों को, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों मेल मर्ज है। तो आपने दोबारा फिर देखा कि मेल मर्ज जो क्वेश्चन है दोबारा फिर पूछ लिया, किस तरह से एक क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ ओल्ड पेपर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक है इसमें, हाँ ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा हुआ है कि जो कंप्यूटर मेमोरी टाइप है उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट डिफाइन करना है, सबसे पहले उनकी जो स्पीड है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड किसके, फिर कम किसके, फिर किसके, फिर किसके, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है सी दोस्तों 3। सबसे पहले आएगा CPU रजिस्टर जो होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद में कैचे मेमोरी की ज़्यादा होती है, उसके बाद में मेन मेमोरी की यानी कि रैम की ज़्यादा होती है, और उसके बाद में हमारी सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है वो होती है। तो ये आप जो सीरीज़ है वो ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। और अब देखिए ये दोस्तों, ये हमारा नवंबर 2017 के अंदर क्वेश्चन आया है, डेटा भंडारण के अधिग्रहण में शामिल है, यानी कि जो हमारी मेमोरी साइज़ है वो हमें बताना है। अब ये देखिए मेमोरी साइज़ भी दो तरह के होते हैं, वो मैं आपको एक और क्वेश्चन आया है वो भी दिखाऊँगा। सबसे पहले इन्होंने ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आंसर है बिट, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ये इसका आंसर आएगा दोस्तों। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे को उम्मीद है इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक से दो क्वेश्चन आएंगे जो मैं ये आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले बिट्स आता है, फिर बाइट्स आता है, फिर फील्ड आता है, फिर रिकॉर्ड आता है, फिर फाइल आता है, फिर डेटाबेस आता है। और छोटी सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जैसे कि FF के बीच में R आएगा, यानी कि फील्ड और फाइल के बीच में रिकॉर्ड आएगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि हमें दो स्टार्टिंग की दो चीज़ें तो याद रह जाती है, भाई बिट्स और बाइट्स तो आएगा ये तो हमें पता है, लेकिन रिकॉर्ड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई रिकॉर्ड आएगा पहले या फील्ड आएगा पहले। तो इस तरीके से छोटा छोटा कन्फ्यूजन हो जाता है, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये हमारा है, हाँ ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करीब 2 से 3 बार पहले आ चुका है। USB की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका बिल्कुल आसान है, इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका आंसर होता है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है बाद में किस तरीके से आया, ये है हमारा नवंबर 2017 में आया है और आगे भी ये रिपीट हुआ है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है,
और इसमें देखिए ये इन्होंने फिर पूछ रहे हैं 1 बिलियन करेक्टर प्रदर्शित करता है, और 1 बिलियन का मैंने आपको पीछे भी दिखाया था अगर आपको ध्यान में हो तो, 1 बिलियन इज इक्वल टू किसके होता है, 1 GB के बराबर होता है, ये बात मैंने आपको पीछे बताई थी। तो ये होता है दोस्तों 1 GB यानी कि 1 GB के इक्वल टू होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास कौन से क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक दोस्तों ये चीज़ तो मैंने आपको करवाई थी कि जो हमारी डेफिनेशन है दोस्तों वो आप ज़रूर करना, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत 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 ज़्यादा संभावना है। डेफिनेशन 2016 से लेकर 2019 तक हर बार इसमें से क्वेश्चन आया है, तो ये आप ज़रूर करना। और आप चाहे तो हमारी ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, आपको जो पूरी प्ले लिस्ट है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके बाद में ये देखिए दोस्तों ये आ गया यूनिवर्सल सीरियल बस, मैं बात कर रहा था ना कि USV से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखिए ये हमारा आ गया जुलाई 2018 में आ गया, और पहले नवंबर 2017 में क्वेश्चन था। तो वही चीज़ है दोस्तों, हम इस वीडियो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। और अब देखिए ये जुलाई 2018 में एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया, जो भंडारण क्षमता होती है जो मेमोरी साइज़ होता है वो इन्होंने पूछ लिया। और यहाँ पे जो मेमोरी टाइप है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है, जो KB MB TB जो होता है वो है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये हमारी आम लाइफ में हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा बिट आता है, और उसके बाद आता है हमारा बाइट आता है, और उसके बाद फिर आता है किलोबाइट यानी कि KB आता है, और फिर MB मेगाबाइट आता है, और फिर GB गीगाबाइट आता है, और फिर हमारा टेराबाइट आता है दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास कौन सा, हाँ दोस्तों एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा रैम और जो रोम है उसमें से क्वेश्चन आता है। ये देखिए दोस्तों रैम और जो रोम में से क्वेश्चन आया है, और रैम एंड रोम के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, पूरा चार्ट बताया है कि रैम और रोम के अंदर क्या डिफरेंस है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आंसर नंबर 2 है वो ठीक है, केवल क्यू ठीक है। क्यू क्या है कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, और जो रोम है वो वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। तो रैम और रोम के बारे में भी आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हाँ आगे ये देखिए दोस्तों आगे हमारे पास BCC और CCC, इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है CCC और BCC क्या होता है। इसमें से करीब आज तक 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये हमारा है शायद जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो ताज़ा ही है, ताज़ा ही कह सकते हैं इसको हम। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा, हाँ ये देखिए दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें इन्होंने लैन वैन मैन के बारे में पूछ लिया। ये क्वेश्चन भी हमारा 2 से 3 बार आया है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि लैन जो होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है, मैन होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए होती है, और वैन होती है वाइल्ड एरिया नेटवर्क के लिए होती है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, ये करीब 2 से 3 बार पहले क्वेश्चन आ चुका है। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और इसमें से जो दोस्त है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि क्या गलत है और क्या सही है। अब देखिए इन्होंने इसका आंसर दिया है आंसर ए क्यू एंड आर ओनली। अब क्यू एंड आर देख लेते हैं, क्यू है हमारा ये DVD-R कैन बी रिटन टू ओनली वंस। DVD-R, आर का मतलब होता है दोस्तों रीडेबल होता है, तो इसको केवल हम एक बार ही रिटर्न कर सकते हैं, एक बार ही इसमें कुछ डेटा वो लिख सकते हैं जहाँ पे सिंगल आर आए। और इसके आर के अंदर इन्होंने दिया कि DVD-RW, इसका मतलब ये होता है दोस्तों जो DVD होते हैं उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसको काफ़ी बार हम राइट कर सकते हैं यानी कि रिटर्न कर सकते हैं, उसमें काफ़ी बार लिख सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों ये देखिए ये हमारा USB से दोबारा फिर आ गया दोस्तों, तो आपने अभी देखा कि 3 बार USB से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो
हो चुका है। तो ये चीज़ें सभी आपको ध्यान में होनी चाहिए। USB हो गया, LCD हो गया, GUI हो गया और 1 GB हो गया। और इसमें से आगे भी क्वेश्चन आया है, मैं दिखाऊंगा। 19 में आया है, जून 2019 में इसमें से क्वेश्चन आया है। अब देखिए, ये हमारा 2018 ही चल रहा है और इसके अंदर ये देखिए, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक स्मॉल टेक्स्ट टू स्टोर ऑन यूज़र कंप्यूटर बाय सम वेबसाइट। अब देखिए, हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें से कुछ डेटा हमारा स्टोर हो जाता है हमारे ब्राउज़र में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों कुकीज़, उसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। और उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद जैसे कि ये देखिए, आप एक बार फिर देख सकते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में से एक बार फिर क्वेश्चन आ गया। तो डेफिनेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में जैसे जो वायरस है, वायरस के बारे में भी मैंने आपको वीडियो करवाई हुई है, वो वीडियो देख लेना। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कुछ और इम्पोर्टेंट है तो इसमें से। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिर से आ गया ये क्वेश्चन, उसी टाइप का जो हमने किया था। अब देखिए, इन्होंने दोबारा फिर 1 GB के बारे में पूछ लिया। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में होना ज़रूरी है। और अब ये देखिए, स्टोरेज डिवाइस के बारे में एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस में से अभी तक 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं, 2016 से लेके 2019 तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। तो यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस दिए वो CD, DVD, ब्लू-रे के बारे में दिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले CD-ROM आएगा, फिर DVD-ROM आएगा और फिर ब्लू-रे आएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि जो हमारी मेमोरी साइज़ है, मेमोरी साइज़ का जो क्रम है वो लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे और कुछ नहीं किए थे जिनके बारे में। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC NET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2012 से लेके 2019 तक रिपीट के अंदर, और इन क्वेश्चन को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तभी हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा डेसिमल और बाइनरी नंबर में से आया है। और इसके बाद हम देखते दोस्तों आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बाइनरी और डेसिमल नंबर में से। और आगे ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इन्होंने फिर से बाइनरी और डेसिमल में से क्वेश्चन दे दिया। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे, ये देखिए, ये हमारा जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 47, देखिए एक बार फिर से इन्होंने बाइनरी और डेसिमल में से क्वेश्चन दे दिया। और इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा जून 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 42, देखिए इन्होंने फिर से बाइनरी और डेसिमल में से क्वेश्चन दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आगे ये देखिए, ये हमारा जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 37, देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से डेसिमल और हेक्साडेसिमल में से नंबर दे दिया, बाइनरी नंबर भी इसमें दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि 2019 में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए, ये हमारा रहा, ये देखिए 21 जून 2019 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने फिर से बाइनरी और डेसिमल में से क्वेश्चन दे दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बाइनरी और डेसिमल में से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2012 से लेके 2019 तक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी और डेसिमल नंबर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अब हम जानते हैं बाइनरी नंबर्स और डिजिटल नंबर्स के बारे में।
दोस्तों क्वेश्चंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पता होगा तभी हम अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, हम यहाँ पे इनका ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, हम बस उतना ही बेसिक चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की। बाइनरी नंबर्स के अंदर दोस्तों दो डिजिट होती है, 0 और 1, कंप्यूटर के अंदर ये यूज होता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 टू वैल्यू यूज होती है, और इनका जो बेस जो होता है उसे हम 2 कहते हैं, 2 से लिखा जाता है। बेस कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर के बारे में दोस्तों, टोटल जो वैल्यू होती है, टोटल डिजिट जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 होती है। ठीक है, इसे ऑक्टल कहा जाता है। और 8 के अंदर क्या होता है, 0 से लेके 7 तक होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 8 डिजिट होते हैं, लेकिन 8 इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर 7 तक हमारी काउंटिंग होती है। अगली आती है दोस्तों हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे दोस्तों टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक काउंट किया जाता है। आप यहां से देख सकते हैं हमने सब कुछ लिखा हुआ है। और आगे बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में दोस्तों ये होता है कि इसके अंदर टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 16 होते हैं। ठीक, 16 के अंदर 0 से लेकर 9 तक, 10 तो ये होगी हमारी काउंटिंग होगी। ठीक है, फिर 11, 12, 13 जो आते हैं, आगे आते हैं, वो ए से एफ़ तक डिनोट किए जाते हैं। और इसके अंदर जो ए होता है वो 10 के लिए, बी 11 के लिए, सी 12 के लिए, डी 13 के लिए, ई 14 के लिए और एफ 15 के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बार फिर हमने ये टेबल बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होती है जिसमें 0 और 1 होता है, ऑक्टल के अंदर 8 होती है जिसमें 0 से 7 तक होता है, डेसिमल नंबर के अंदर 10 होते हैं जिसमें 0 से 9 तक होते हैं, और हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक हमारे अक्षर होते हैं और ए से एफ तक होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक कौन से नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, तो हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि वो हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर आते हैं। एक बार इसमें से क्वेश्चन आया था। और इसी तरह से ऑक्टल के बारे में पूछ लेंगे कि ऑक्टल के अंदर जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 7 तक होते हैं, या फिर 0 से लेके 8 तक होते हैं, या 1 से लेके 8 तक होते हैं, तो इस तरह से हमें वो पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। और जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो हमारा आता है जैसे कि कन्वर्जेशन, कन्वर्ट करने का आता है। बाइनरी से हमें डेसिमल के अंदर करना है, ऑक्टल से हमें डेसिमल के अंदर करना है, हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो यहाँ से उठे हैं, यहाँ से आए हैं। तो ये जो वीडियो देखने के आप वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्वेश्चन लगा लो, एग्जांपल लगा लो, 1101 ये है हमारा बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस की जो बात कर रहा था मैं, बेस का मतलब होता कि ये देखिए नीचे जो 2 लगा हुआ है इसे हम बेस कहते हैं। ठीक, बाइनरी नंबर को इस तरह से लिखते हैं हम, और डेसिमल नंबर के अंदर जो बेस होता है वो 10 होता है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका आप देखिए कैसे हम इसे करते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहला हमारा स्टेप है वो बाइनरी जो नंबर है वो हम उसे इस तरह से लिख लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर जो 1 है 0 है 1 है फिर 0 है, इसके अंदर ये देखिए हम बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो बाइनरी की बात आती है तो हम 2 से शुरुआत करेंगे, 2 की पावर हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 की पावर यहाँ पर है, इसकी 2 की पावर है 0। ठीक है, फिर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ से हमने इस तरह से लिख लिया। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 0 किस कोई भी हमारा अक्षर हो उसकी
पावर अगर जीरो होती है तो वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। टू की पावर वन वो टू के इक्वल होता है, टू की पावर टू चार के इक्वल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। टू की पावर थ्री ये एट के इक्वल होता है। यानी कि सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि सबसे पहले हमें जो बाइनरी नंबर दिया है वो इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारा बाइनरी है, यहाँ पे देखिए, अगर बाइनरी है तो उसका बेस टू होगा, टू है तो टू की पावर हमें इस तरह से लिखते हुए जाना है ऐसे, ठीक है। और फिर टू की पावर जो है वो हमें रियल में लिखनी है कि टू की पावर टू किसके इक्वल होते हैं, टू की पावर थ्री किसके इक्वल होते हैं, तो इस तरह से हमें सभी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ क्या होगा। अब देखिए स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये जो हमने ऊपर जो वैल्यू लिखी थी ये देखिए ये, और जो हमारा बाइनरी नंबर था ये था, सबसे पहले बाइनरी नंबर लिखेंगे, ठीक है, और फिर हमारी ये जो वैल्यू आई थी ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख ली। और जो हमारा जो बाइनरी नंबर है उसको नीचे जो वैल्यू आई है अपने टू की पावर जीरो, टू की पावर एक, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री करने से, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक को एक से गुना करने से एक आता है, जीरो को दो से गुना करने पर जीरो आता है, ठीक है। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। यहाँ तक ये स्टेप करना है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले तो हम जैसे ये लिख लेंगे, इसके अंदर बाइनरी नंबर लिख लेंगे, ये लिख लिया, ठीक है। फिर टू की पावर है वो इस तरह से लिखते जाएंगे, जितने हमारे आगे चलते जाएंगे यहाँ पे उस तरह से टू की पावर लिखते जाएंगे। फिर टू की पावर को इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगला जो स्टेप है उसके अंदर ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, ये हमारी जो वैल्यू थी वो होगी, ठीक है। अब बाइनरी नंबर्स को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री के अंदर, अपने स्टेप नंबर टू के अंदर जो ये वैल्यू आई है इन सभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करने पे 13 आता है, ठीक है। तो ये जो 13 हो गया ये हमारा डेसिमल नंबर होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा 1101, बाइनरी नंबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो 13 इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर है। तो यहाँ से आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, तो वहाँ से आप करके देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आगे, ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है 11218, इसका बेस है, इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर के अंदर। तो इसके अंदर भी सबसे पहले वही चीज़ हमें करनी है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसे हम इस तरह से लिख लेंगे ऊपर 1212, ठीक है। और फिर ये देखिए ऑक्टल की हम बात कर रहे हैं, ऑक्टल के अंदर बेस 8 होता है, ठीक है। तो उस 8 को यहाँ पर लिखेंगे और उसकी पावर हम लिखते जाएंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हम इस पावर को कन्वर्ट करेंगे रियल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और जो रियल वैल्यू है दोस्तों इसकी इन सभी की आएगी ये, हमने यहाँ पे लिखा था पता नहीं क्यों नहीं आया पीडीएफ में, चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 की पावर 0 करते तो 1 आता है, मैंने बताया था कि कुछ भी हम कोई भी हमारा अक्षर है उसकी पावर 0 करते तो वो 1 आता है। 8 की पावर 1 आएगा 8 के इक्वल, 8 की पावर 2 8 64, ठीक है, 8 की पावर 3 आएगा 512 के इक्वल आएगा, इस तरह से हमें ये लिखनी है। और अगला जो स्टेप होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अगले स्टेप में हमें क्या करना है। अब ये देखिए कि अगले स्टेप में क्या होगा, हमारी ये जो वैल्यू थी हम ये इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और 8 की ये पावर करने से हमारे पास ये जो भी आया है इन सभी की पावर करने से ये आ गया हमारा, ठीक है। वही स्टेप हमें करना है जो हमने बाइनरी नंबर्स में किया था, कि जो हमारा ऑक्टल नंबर है उसको जो रियल वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक की एक के साथ करेंगे एक, दो की आठ के साथ 16, एक की 64 के साथ 64, एक की 512 के साथ में करेंगे तो 512 ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप
दोस्तों स्टेप नंबर टू के अंदर जो हमारी ये वैल्यू आई है 512, 64, 16 और 1, इन सभी को स्टेप नंबर थ्री के अंदर हम प्लस में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इन सभी को जब हम प्लस करते हैं तो 593 आता है। ठीक है, 593 आने के बाद में ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1121 ऑक्टल नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे जब डेसिमल के अंदर तो हमारा आंसर ये आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्टल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बारी आती है दोस्तों हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया है कि AC9 और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि A का मतलब क्या होता है। A का मतलब होता है 10 होता है, हमने पहले दिखाया था आपको, और C का मतलब होता है 12 होता है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम शुरुआत में आते हैं, ये यहाँ पे ये देखिए ये 9 हो गया, A का मतलब 10 हो गया, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14, F का मतलब 15। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ये। तो हमें इसमें भी क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले जो A की वैल्यू है वो लिखेंगे, C की वैल्यू है वो लिखेंगे, 9 का तो 9 होता है ये हमें पता है। ठीक है, और अब बात आती है इसके अंदर, जैसे कि ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्सा का मतलब होता है दोस्तों 16 होता है। ठीक है, 16 होता है, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, इस तरह से हम लिखेंगे। और अब इन पावर्स को हम इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, 16 की पावर 0 होती है 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256, इस तरह से ये होता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, यानी कि ये जो स्टेप है हमारा ये पहले जो था वैसे ही रिपीट हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि हमने जो वैल्यू लिखी थी ऊपर जो वैल्यू लिखी थी, ये देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर ये पावर्स को कन्वर्ट करने के बाद में अपनी वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, 12 को जब 16 के साथ करेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 को जब 256 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। और स्टेप नंबर थ्री के अंदर हमें पता ही है, स्टेप नंबर थ्री के अंदर हम क्या करेंगे, इन सभी को हम प्लस कर देंगे। इन सभी को प्लस करने पे 2761 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि AC9 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो 2761 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को आप डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ये हमने बता रखा है इसके अंदर। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, उसके अंदर हम बताएंगे कि डेसिमल नंबर को किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इन सभी का उल्टा क्या होगा वो भी हम आपको सिखाएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTAUGCNET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों हमने पहले वीडियो डाली थी, उसके अंदर बताया था कि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम इससे वापस यानी कि उल्टा देखेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे करेंगे और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना
क्योंकि इसमें से काफी बार क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और दोस्तों क्वेश्चन पेपर में वो क्या कहेंगे कि जैसे डेसिमल नंबर दे देंगे, वो 12 दे देंगे, 13 दे देंगे या 25 दे देंगे, इस तरह से दे देंगे और वो कहेंगे कि इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर आपको समझाया हुआ है कि क्या क्या हमें करना है। देखिए सबसे पहले हम ये आप देख सकते हैं कि 13 जो दिया हुआ है, 13 डेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देनी है दोस्तों ये होती है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है दोस्तों, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है अपना 13 जो ये डेसिमल नंबर है ये, इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और इसको फिर इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं, हम एलसीएम वगैरह निकालते थे, थोड़ा उस टाइप में हम इसे लिखेंगे। ठीक, इस स्टेप में आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 13 हमने 13 यहाँ पे लिख लिया और 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी है और बाइनरी का बेस होता है 2 होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि 2 से ये देखते हैं कि 13 है वो कहाँ तक जाता है, तो हमें पता है कि 2 6 12 होता है, ठीक है, ये 6 तक जाता है, तो 2 6 12 हमने किया और यहाँ पे एक हमारा शेष रह गया, कैरी एक रह गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें इस रो में हमें क्या लिखना है कि जहाँ तक वो काउंटिंग जारी है, जहाँ तक टेबल जारी है, वो यहाँ पे हमें लिखना है 2 6 12, ठीक है, 6 लिख दिया और यहाँ पे अपना जो शेष रह रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। इतना आपको समझ में है। अब आगे देखते हैं कि आगे पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अब ये देखिए हमने सबसे पहले 2 6 12 किया और शेष कितना रह गया हमारे पास, 1, जो 1 रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया इस साइड में रेड कलर में, इस साइड में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अगली बारी आती है इसकी, ये जो 6 रह गया तो ये कितने पे जाता है दोस्तों, 2 3 6, ठीक है, और 2 3 6 हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 0 रह गया दोस्तों हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते शेष हमारा 0 रह गया। अब बात आती है ये 3 किस पे जाता है दोस्तों, 2 1 2, 2 1 2 करने से शेष हमारे पास क्या रहता है, वो रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है 1 की। अब देखिए 1 जो है ये इससे ये तो 2 से छोटा है, ठीक है, तो लास्ट के अंदर ये ही डिजिट हमारी रह जाएगी अगर हम शेष मान के चले या कुछ भी मान के चले, यानी कि इससे ज़्यादा हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये जो 13 है ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, 1 पे आके रुक जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए स्टेप नंबर 2 के अंदर अगला जो स्टेप नंबर है अपना, इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो स्टेप था ये हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सारी की सारी टेबल लिखी, यानी कि 2 को 13 को पहले 6 पे गया, 2 6 12, 1 शेष रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड कलर में अपने पास जो डिजिट आई है, ठीक है, उसे हम नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, जैसे ये मैंने एरो दिखा रखी है ऐसे हम लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 1101, यानी कि ये जो आंसर है ये आ जाएगा। पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, इस तरह से हम डिजिट लिखेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। तो अब देखिए ये हमारी डिजिट होती है, ये हमारी
डेसिमल नंबर होता है 13, ठीक है। 13 को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर, तो इसके अंदर जैसे ये हमने लिख लिया, ये जैसे एलसीएम के टाइप में हम लिखते हैं, तो अब हम 13 को डिवाइड करेंगे कहाँ तक ये जाता है, तो 2 6 12, ठीक है। शेष रह गया हमारा ये, जो हमारा शेष रहता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और जिससे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और अब इस स्टेप में देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2 6 12 शेष रह गया 1, 2 3 6 और शेष रह गया 0, 2 1 2 शेष रह गया 1, ये लास्ट यानी कि 1 तक ये जाएगा। और अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो अपना आया है, ये जो स्टेप आया है, ये स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और नीचे नीचे से हम जो डिजिट है वो लिखते हुए जाएंगे, 1101, इस तरह से हम ये इसे लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, उसके ज़रिए हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जैसे ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर के अंदर अपना जो बेस होता है वो 8 होता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें हमने जो ये हमारा डेसिमल नंबर था इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। और इसे फिर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जो हम एलसीएम वगैरह लेते हैं उस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब इसमें वही काम करना है जो हमने पहले किया है, बाइनरी नंबर में किया था वही करना है। अब हम ये देखेंगे कि 593 है, ये 8 की टेबल में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 8 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए आप ये देख सकते हैं, जब हम 8 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 592 आ रहा है, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया, 74 को 592 आया और शेष हमारा रह गया दोस्तों 1, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से हमें करना है। यहाँ से आपको पहला स्टेप समझ में आया। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। अब देखिए 8 को हमने सबसे पहले 74 से किया तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 74 हमारे पास रह गया, 74 को हम कहाँ तक कर सकते हैं। जब हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नियमा 72 होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं 72। और जब 74 में से 72 जाएंगे तो इसका जो शेष है वो 2 रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 9 रह गया, 9 के लिए क्या करेंगे हम, 8 1 8 होता है, तो यहाँ से हमारा जो शेष है वो 1 रह जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 रह जाएगा। और अब हमारे पास यहाँ पे बचा 1, तो 1 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, 8 से भाग नहीं दे सकते, तो हमारी ये जो है यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगी प्रोसेस। और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमने जो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी है, ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, वही जो हमने पहले किया है, नीचे से लेके ऊपर तक की जो डिजिट है वो लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा, 593 डेसिमल नंबर है, इसे जब हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1121, ठीक है। और दोस्तों हमने जो पहली जो वीडियो आई थी उसके अंदर बताया था कि 1121 को डेसिमल नंबर में यानी कि इसके अंदर 593 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हमने पहले बताया, तो अगर कोई किसी को वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर की, कि डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी दोस्तों आसान है अगर हम करके देखें तो। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, 2761 एक डेसिमल नंबर दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में हमें पता है कि जैसे इसका बेस होता है 16 होता है, 16 होता है, तो हमें डिवाइड करना है 2761 को, वो 16 से डिवाइड करना है। तो इसमें वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम देखेंगे कि 2761 जो है, 2761 वो 16 की टेबल में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डिवाइड करके देखोगे तो 16 को जब हम 172 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2752 आता है, यहाँ पे इतना आता है।
ठीक है। और जब हम 2752 में से सॉरी जब हम 2761 में से 2752 माइनस करेंगे तो इसका 9 शेष रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप हमारा ये है, इसके अंदर क्या है कि हम पूरी प्रोसेस करेंगे। जब 16 को हमने 172 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो शेष है वो 9 रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 172 16 की काउंटिंग में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये डिवाइड होता है। तो हम जब हम 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आता है हमारा। ठीक है, और 160 आने पे हमारा जो शेष है वो रहेगा 12 शेष रह जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, और फिर हमारा जो ये डिजिट रहेगी 10 रहेगी। तो हमें पता है कि 10 है वो 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारी इसकी जो प्रोसेस है वो यहीं तक रह जाएगी 10 तक। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, यही हमने स्टेप यहाँ पे फिर लिखा। अब देखिए, मैंने बताया था कि पहले भी हम नीचे से चलते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक चलते हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले 10 लिखेंगे, ये 10 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। ठीक है, और अब देखिए जो 9 डिजिट होते हैं वो 9 के इक्वल ही होती है इसके अंदर। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स वगैरह के अंदर जब हम बात करते हैं तो, और 12 के अंदर मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल के अंदर 12 की जो वैल्यू है वो क्या होती है और 10 की वैल्यू क्या होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने पूरी लिखी हुई है। 10 का मतलब होता है ए, 11 का मतलब होता है बी, 12 का मतलब होता है सी। इस तरह से ये सभी आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये अपना जो 10 है इसका मतलब हो जाएगा ए, 12 मतलब है 12 का हो जाएगा सी, 9 का 9 रहेगा। तो हमारा 2761 डेसिमल है इसका हेक्साडेसिमल आएगा ए सी 9, ये आएगा अपना, यानी कि ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप हेक्साडेसिमल को भी बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, हम उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, इन्होंने डेसिमल नंबर 81 को दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर के अंदर, इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना होगा। सबसे पहले हम 81 लिख लेते हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जब जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम के अंदर लिखते हैं उसी तरह से हम इसे लिखेंगे। ये हमने लिख लिया, ये लिखा हमने 81। और अब बताइए हम इसे डिवाइड किससे करेंगे, ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस होता है 8, यानी कि 8 से हम इसे डिवाइड करेंगे। और अब हम देखते हैं कि ये कितने पे जाता है, कहाँ तक इसकी वैल्यू जाती है वो हम देखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले 8 एक कम 8 गया, ठीक है, और फिर 10 यानी कि 10 पे गया। जब हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, और हमारा शेष कितना रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यानी कि 8 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दए 80, और 81 में से 80 माइनस करेंगे तो 1 अपना शेष रह जाएगा। अब आगे बात आती है 10 की, तो 10 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 10 कितने पे जा रहा है, 1 पे, 8 है कम 8, तो हमारा शेष कितना रह गया दोस्तों, 2। ठीक है, और अब अगला अपना स्टेप क्या होगा, हम नीचे से लेके ऊपर तक इसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 2 1, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये करना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो आप हमसे पूछ सकते हैं। NTAUGCNET यानी निमेजनेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 में आया था। तो इसके अंदर ये दिया है कि हमें डेसिमल नंबर है 17, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास बाइनरी हो, बेस यानी कि 2 हो, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ऑक्टल हो तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये देखिए, हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले करेंगे 8 पे 2 8 16 और कैरी रहेगी हमारे पास 1, 2 चौके 8 रह गया 0, फिर 2 दूनी 4 रह गया 0, फिर 2 एकम 2 और रह गया 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीचे से ऊपर मैंने बताया था आपको, तो 10001, तो इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी 1001, ये हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे इस कैसे क्वेश्चन आया है। और दोस्तों अब ये देखिए, दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, इन्होंने कहा है बाइनरी इक्विलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज, यानी कि 35 है इसका हमें बाइनरी निकालना है, ठीक है। तो बाइनरी की वही बात आती है कि 35 को किस से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने 17 को डिवाइड किया था, तो वो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। आप देखो, सबसे पहले हम 35 को करेंगे, तो 35 ऐसे कर लिया हमने, बाइनरी है, बाइनरी मतलब होता है 2 बेस, यानी कि 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा 17 पे, 17 दूनी 34 और शेष रह गया हमारे पास 1, ठीक है। और फिर ये 17 की, अब ये देखिए हमारे पास ये 35 था, 35 का हमने कर दिया 17 कर दिया, और इसके बाद में ये जो है ये हमने आपको पीछे अभी दिखाया था, जस्ट अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने यहाँ पे दिखाया है ये सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे। तो चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा और शेष रह जाएगा हमारे पास 1, फिर 8 से करेंगे 2 8 16, फिर रह जाएगा 1, फिर 4 से करेंगे 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 और 0, और नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये सब करना, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिलेटेड है, इसमें बस एक थोड़ी सी बड़ी डिजिट दे दी, उसी के रिलेटेड डिजिट दे दी। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे किस। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आया है, अब देखिए ये दिसंबर 2014 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर कहा है कि ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंबल ए टू एफ आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, दो वीडियो में, जो ए से एफ तक होते हैं तो वो किस में होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें 0 से लेके 9 तक होते हैं और ए से लेके एफ तक होते हैं, तो ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है अपना। तो कितना आसान आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमने पीछे अभी कर ही लिया, ये हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम और देखते हैं, अब ये देखिए दोस्तों जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया 47, इसके अंदर इन्होंने 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। 25 डेसिमल नंबर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वही हम करेंगे। 25 यहाँ पे हमने लिखा और इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 12 पे, 12 दूनी 24 1 रह गया, 2 छक्के 12 0 रह गया, 2 तीये 6 0 रह गया, 2 एकम 2 और यहाँ पे रह गया शेष। और फिर क्या करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक हम इसे लिखेंगे, तो क्या आएगा, 1100 और 1, इस तरह से अपना आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान है। और अब हम और देखते हैं कि और इस तरह इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं।
अब ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसके अंदर 42 नंबर क्वेश्चन है और इसके अंदर 47 था, इसमें 25 का है। इसमें इन्होंने 51 के बारे में कहा है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर 48 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 11000 के है तो डेसिमल नंबर 51 किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। यानी कि 48 है वो 11000 बाइनरी नंबर के इक्वल है तो 51 नंबर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें दोस्तों, आप ध्यान से देखना, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 25 किया था और ये क्या है, ये एक स्टेप बढ़ा के इन्होंने दे दिया। अब देखिए हम इसे करके देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब 51 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25 पे, 25 दूनी 50 शेष रह गया 1, फिर 12 दूनी 24 रह गया 1। यानी कि ये देखिए, ये सारा का सारा हमारा पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, और पहले भी आपने देखा था कि 35 का किस तरह से रिपीट हुआ था, वो 17 वाला रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हमने 25 को किया, 12 पे गया, शेष रह एक रह गया। अब देखिए 12 को हम करेंगे, 2 6 12 जीरो रह गया, 2 3 6 जीरो रह गया, 2 1 2 और जीरो रह गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है हमारे लिए करना। और एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनसे कहीं ना कहीं मिलते जुलते रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया है, इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जो डेसिमल के अंदर दिया हुआ है, सॉरी पॉइंट्स के अंदर जो दिया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है, इन द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शन पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू इज़ 0.625। दोस्तों इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन करके देखिए, अभी मैंने आपको जितने करवाए हैं आप खुद करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों जनवरी 2017 के बाद में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया और फिर सीधा डायरेक्ट 21 जून 2019 को ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। और ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान है, इसे देखिए। इसमें इसने कहा है कि व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि ये हमें एक बाइनरी नंबर दिया है और इसका हमें डेसिमल नंबर निकालना, वो हमें बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें पहले ये देखना होता कि वो जो नंबर है वो किस में दिया है। यहाँ पे इन्होंने बाइनरी नंबर में दिया है, तो अगर बाइनरी हो तो हमें 2 बेस होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ऑक्टल हो तो 8 से। तो इसे हम बिल्कुल आसानी से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी जो डिजिट है वो सभी की सभी लिख लेते हैं, 1 1 0 0 1 1 और 0 यहाँ पे लिख ली, और फिर 2 की पावर लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 यहाँ पे हमने लिख ली। और अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो पावर है पावर को कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर 1 होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 ये हो गया 2 हो गया दोस्तों, 2 की पावर 2 4 हो गया, और ये 2 की पावर 3 होता वैसे 8 है, और 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा दोस्तों। इसी तरीके से ये भी 0 आएगा हमारे पास, और 2 की पावर 5 होता है 32 होता है दोस्तों हमारे पास, और 2 की पावर 6 होता है 64 होता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी को हम प्लस कर देते हैं, और इन सभी को प्लस करने के बाद हमारे पास दोस्तों जो आंसर आएगा वो 102 इसका आंसर आएगा, 102, और 102 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, और आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किसी में एक डिजिट फालतू दे देते हैं तो किसी में कम दे देते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप करने की कोशिश करना, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC NET यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 में ICT के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो पीछे का जो हमारा सिलेबस है उनमें से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और जो जून 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर हम किस तरह से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाना दोस्तों, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपने हमारी ऐप निमिज नेट प्रो डाउनलोड नहीं की है तो आप ये ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ फ्री में हम दे रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दिसंबर 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पे हम चर्चा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन हैं कितने क्या कुछ डिफ़िकल्ट हैं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ और वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, और इसके अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए। जैसे कि ये हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर संबंधित कार्यालय में WORM का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए फुल फॉर्म हम पीछे करते हुए आ रहे थे और फुल फॉर्म 2012 से पूछते हुए ये आ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा काफ़ी लंबे से चलता हुआ आ रहा है, तो ये कुछ नया नहीं है इसके अंदर। और आगे हम बात करें, जैसे कि ये देखिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, जो हमारी मेमोरी जो होती है उनको सही लगाना है, मेमोरी डिवाइसेस जो होते हैं उनको क्रम वाइज लगाना है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे पहले आ चुके हैं, बहुत रिपीट हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये जैसे कि ये हमारा जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था और यहाँ पर इन्होंने मेमोरी साइज़ को क्रम वाइज लगाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, CPU रजिस्टर आएगा, ये जो होता है ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आती है, एक तो वो पूछेंगे कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, ये हो गया। उसके बाद साइज़ के हिसाब से वो पूछते हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड के मामले में इन्होंने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले CPU रजिस्टर आएगा, फिर आएगा कैश मेमोरी, और फिर आएगा मेन मेमोरी, फिर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए ये हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज है उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या है, सबसे पहले हमारा बिट्स आएगा, फिर बाइट्स आएगा, फिर फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर डेटाबेस आएगा। ये सभी चीज़ें दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन सभी के आगे भी क्वेश्चन रिपीट होने की काफ़ी संभावना है। और अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 39 में जो हमारी KB MB TB GB जो होती है उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। इसमें देखिए जैसे इन्होंने आंसर नंबर 3 दिया है FBA, सबसे पहले दोस्तों हमारी जो आती है बिट आती है, फिर आता है बाइट आता है, फिर आता है किलोबाइट, फिर आता है MB यानी कि मेगाबाइट, और फिर क्या आता है हमारा GB यानी कि गीगाबाइट, और फिर आता है हमारा टेराबाइट TB आता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेमोरी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग टाइप से। और आगे हम बात करें, ये देखिए दोस्तों ये आगे
इसमें ये जून 2019 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 24 जून का पेपर है ये। और इन्होंने यहाँ पे जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है उनमें से क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया। यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर दिया है ए। ए में हम देखते हैं सबसे पहले सीडी रोम आता है, फिर डीवीडी रोम आता है, और फिर आता है ब्लू रे आता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे हम बात करें, ये देखिए ये हमारा फिर से 2 दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था। इन्होंने फिर से सीडी रोम, हार्ड डिस्क और डीवीडी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसके अंदर जैसे इसका आंसर है ए, ए इन्होंने दिया है बी सी ए। बी सी ए हम देखते हैं सबसे पहले आएगा सीडी रोम, सीडी रोम, फिर आएगा हार्ड डिस्क, और फिर आएगा डीवीडी रोम यहाँ पे, ठीक है। और यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, 24 जून को यहाँ पे हम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कितने आसान हैं हमारे लिए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए 3 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन आया था ये, 41 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है, यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज रखती है अपने पास। तो इसमें देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो यहाँ से हम सभी को पता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी हम रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ये यहाँ पे अदर जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं उनके। तो हार्ड डिस्क में 1 TB, 10 TB पता नहीं कितना ही रख लो, बहुत ज़्यादा आई हुई है आज के टाइम में। और आगे हम देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो आप देख सकते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मेमोरी से, मेमोरी को क्रम वाइज लगाने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो दिसंबर 2019 में और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, 41 हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये क्वेश्चन कर लिया। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए एक ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयुक्त है। देखिए इसका आसानी से मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेट करने के लिए इनमें से कौन सी यूज़ नहीं की जाती, वो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। तो असेंबलर यूज़ की जाती है, कंपाइलर भी यूज़ की जाती है, और इंटरप्रेटर ये भी यूज़ की जाती है, लेकिन कोडेक जो है दोस्तों वो ट्रांसलेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती। और कंपाइलर असेंबलर से दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये आया था हमारा, ये देखिए जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए एक तो ये हो गया, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हिंदी में दिया हुआ है, हम इंग्लिश में देखते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 36 ये देखिए ये रहा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में, तो उसे हम कहेंगे डी इंटरप्रेटर, उसे हम कहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और ये देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया था, ये देखिए कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है, कंपाइलर क्या होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर नंबर बी दिया है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अब चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये रहा, ए कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट बी हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट हो रहे हैं और कितना आसान हम उनको कर सकते हैं। और दोस्तों
और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये देखिए जैसे जून 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक आईसीटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो हमने अलग कर रखे हैं, रिसर्च के क्वेश्चन अलग किए हुए हैं और टीचिंग के क्वेश्चन अलग किए हुए हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं। अगर किसी भी दोस्त को ये स्टडी नोट्स चाहिए, ये पेपर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों दिसंबर 2019 में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये चल रहा है हमारा, हाँ ये आ गया दिसंबर 2019 का, ये हमने कर लिया। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने फिर से जो मैं आपको पहले भी ये वीडियो करवा चुका हूँ फुल फॉर्म की जो वीडियो वो हमने पहले कर ली है, वीडियो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट इसका आंसर है दोस्तों। आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर नंबर 3 विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका आंसर विजुअल डिस्प्ले यूनिट है दोस्तों, ध्यान रखना इन चीज़ों को। और इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं हम, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। और इसके बारे में मैंने वीडियो करवाई हुई है आपको पहले, जितने भी अपनी फुल फॉर्म है इम्पोर्टेंट वो सभी मैंने आपको बताई हुई है और हमने नोट्स भी बना रखे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आईसीटी का ये रहा हमारा नोट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ जैसे फुल फॉर्म, ये तो हमारी वो होगी, ये रही हमारी फुल फॉर्म यहाँ पे। तो ये अगर आप नोट्स लेना चाहे तो नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, ये भी हो गया हमारा कंपाइलर असेंबलर वाला हो गया और हार्ड डिस्क का ये भी हो गया हमारा और ये फुल फॉर्म वाला भी हो गया। और आगे आते हैं दोस्तों मेमोरी साइजेस के बारे में, जैसे KB, MB, GB इनके साइज़ होते हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले बताया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है आज तक, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो कि बिल्कुल नया हो, अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले वाला ही रिपीट हो रहा है। और ये देखिए दोबारा से फिर इन्होंने फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली, PCI की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली और इन्होंने फिर डेटाबेस WOS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली। तो आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक देखिए दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 साइबर एड्रेस, यानी कि जो URL जो होती है उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो हमें बताना है। तो इसके अंदर इन्होंने आंसर नंबर एक दिया है, सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल कॉल आएगा, फिर होस्ट के डोमेन का नेम आएगा और फिर पाथ या फाइल का नेम आएगा। चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रोटोकॉल जो होती है हमारी ये होती है, जैसे यहाँ पे दिया हो ना HTTPS, इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद में जो डोमेन नेम है, यहाँ पे ये देखिए होस्ट के डोमेन का नेम, डोमेन नेम यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों UGCNetOnline.in, ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन नेम, डोमेन नेम ये हो गया हमारा। और उसके बाद है दोस्तों पाथ फाइल, इसका मतलब है दोस्तों ये देखिए स्लैश करके सिलेबस न्यू, यहाँ पे ये दिया हुआ ना, ये फाइल का पाथ है यानी कि कहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है। तो जो एक हमारी URL होती है, तो URL के ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों URL से रिलेटेड पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत रिपीट हुए इनमें से, तो ये आप थोड़ा ध्यान में दे लेना। और आगे हम बात करें जैसे कि ये हो गया हमारा स्वयं हो गया, उमंग हो गया, भीम हो गया, तो ये सभी क्वेश्चन थोड़े से हम कह सकते हैं नए आए हैं, लेकिन ये हमारे दिसंबर 2018 में आए थे, जून 2019 में आए थे। भीम है, भीम हमें हम सभी को पता है कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे कौन से क्वेश्चन हैं। आगे ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि कुछ दोस्त कहते हैं सिलेबस चेंज हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं है दोस्तों, आपके सामने हैं जो कुछ है लाइव मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा 5 दिसंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और यहाँ पे इन्होंने देखिए जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है वो हमें बताना है। तो इन्होंने आंसर नंबर 4 दिया है, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइज़र,
ये सभी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे ये देखिए, ये हमारा जैसे मैंने आपको जो बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर की जो अभी वीडियो की है, हमने पीछे तीन वीडियो की है, उनमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। और आगे हम बात करें, ये देखिए, ये हमारे जो वेब ब्राउज़र है उनमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है और ये वेब ब्राउज़र से रिलेटेड पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सब कुछ वही है दोस्तों, जो टॉपिक है वो रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल आसान है। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी इन्होंने पूछ लिया साउंड की जो फाइल होते हैं उनकी एक्सटेंशन इन्होंने पूछ ली, क्या क्या एक्सटेंशन है। ये देखिए आंसर फोर दिया इन्होंने, मीडी हो गया, वेव हो गया, WMA हो गया, MP3 हो गया, ये सभी हमारी ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले वीडियो करवाई हुई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं वही बात दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ये देखिए सभी फाइल एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पर दी हुई है, सभी सब कुछ हमने इन नोट्स में कवरअप किया हुआ है। तो अगर कोई चाहे ये नोट्स लेना तो ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी फाइल एक्सटेंशन आ गई यहाँ पे, ये देखिए जैसे मीडी की बात की थी ना, ये रहा मीडी यहाँ पे, तो हमने सब कुछ कवरअप किया हुआ है। तो किसी को ये नोट्स लेने तो ले सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और आगे हम बात करें दोस्तों कि आगे कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल आसान है दोस्तों। आगे फिर से आ गया 6 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और यहाँ पे इन्होंने देखिए जो हमारी टेक्स्ट फाइल जो है ना उसका फॉर्मेट पूछ लिया, उनकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे पूछ ली। इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पे दिया है, CSV हो गया, RTF हो गया, TXT हो गया, ये सभी क्या है, हमारे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये देखिए जैसे ये लैन मैन वैन है, ये क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी रिपीट हुए और इनके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर किसी दोस्त ने कोई वीडियो मिस हो गई है तो आप हमारे निमिज नेट प्रो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सभी की सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ओल्ड पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, अगर आपको नेट और JRF क्वालिफाई होना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना, और क्या हम आगे भी ऐसे ही और वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि दोस्तों आपके जो कमेंट होते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि हमें आगे किस तरह से काम करना है। तो आप हमें ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताना कि क्या हमें आगे और जो टॉपिक है उनकी ऐसे ही वीडियो बनानी चाहिए, कि दिसंबर 2019 में जो जो क्वेश्चन आए उन पर हम डिस्कस करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।